हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ डीसीएम जेई मेजर, और ये टेस्ट पेपर नंबर आप देख रहे हैं डीटीएस 32 है। 42 आपके टोटल मेजर हैं, जिसमें से 32 नंबर का अपन आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। बेटों, इसके टॉपिक्स क्या क्या हैं देख सकते हैं आप। सॉलिड स्टेट है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, और यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम है। सॉलिड स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम का ये मेजर पेपर है बेटा, जिसके जेई एडवांस के पेपर का सॉल्यूशन अपन आज करने जा रहे हैं। ठीक है डियर, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज डीसीएम मेजर 32 का सॉल्यूशन। ठीक है डियर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों, क्वेश्चन है द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट वर डिटरमाइंड एट 1120 केल्विन, और रिएक्शंस दे रखे हैं 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड गैस प्लस कार्बन सॉलिड प्लस CO2 गैस, Kp1 आपको दे रखा है 10^-14 Atm^-1, एंड अनदर रिएक्शन इज CO गैस प्लस Cl2 गैस, CoCl2 गैस प्लस Kp2 आपको दे रखा है बेटो 6×10^-3 Atm^-1, इस तरह आपको यहां से दे रखा है। अब बच्चों, ये तो इक्वेशन नंबर 1 है, जहां पर Kp1 का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 10^-14, और ये बच्चों इक्वेशन नंबर 2 है, और इस इक्वेशन नंबर 2 के लिए बेटो Kp2 का मैग्नीट्यूड दे रखा है 6×10^-3 Atm^1। ठीक है, अब बच्चों आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 1120 केल्विन, यानी कि जो थर्ड रिएक्शन दे रखा है आपको लास्ट में, इस वाले रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा हुआ है। तो इस वाले रिएक्शन के लिए अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc कैलकुलेट करना है, तो बच्चों सबसे पहले आपको इस मेजर रिएक्शन के लिए, यानी कि जो फाइनल रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए पहले आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp का मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। तो बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp का मैग्नीट्यूड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए बात कर लेते हैं। तो बच्चों, Kp अगर चेक करना है फाइनल इक्वेशन के लिए, तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 देखें। यहां पर आपको 2 मोल्स ऑफ CO मिल रहा है रिएक्टेंट साइड में, 1 मोल ऑफ CO2 मिल रहा है प्रोडक्ट साइड में। तो बच्चों यहां देख सकते हैं कि जो CO2 है, ये CO2 आप देख रहे हैं यहां पर, ये जो CO2 है ये बच्चों रिएक्टेंट साइड में है, जबकि यहां पर प्रोडक्ट साइड में है। यहां पर ये कार्बन सॉलिड यहां प्रोडक्ट साइड में है या रिएक्टेंट साइड में रिक्वायर्ड है, इसका मतलब फर्स्ट वाली रिएक्शन को आपको बच्चों रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। यहां पर आपको ये जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है बेटा, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, और जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो बच्चों रेसिप्रोकल करने के लिए आपको इस Kp1 का मैग्नीट्यूड भी क्या करना पड़ेगा, इनवर्स करना पड़ेगा। तो बेटा ये जो Kp1 है, ये तो हो जाएगा इनवर्स, यानी कि 1/Kp1 में चला जाएगा, और जो सेकेंड रिएक्शन है बेटा, इसमें CO गैस प्लस Cl2 क्या फॉर्म कर रहा है, CoCl2 गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। बट काम की बात सुन लो, यहां पर 2 मोल्स ऑफ CoCl2 है, जबकि यहां पर कितना है, 1 मोल ऑफ CoCl2 है, इसलिए आपको बच्चों जो सेकेंड रिएक्शन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेकेंड रिएक्शन को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों इस कंप्लीट रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो आपको इस केपी को केपी स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। जब भी किसी एन फैक्टर से किसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो बच्चों उस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इस पावर में शिफ्ट हो जाता है, यानी कि जो एन फैक्टर है वो उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है डियर, तो यहां से जो नेट केपी फॉर्म होगा बच्चों, नेट केपी की अगर बात करें, तो देखते हैं बेटो आगे सॉल्व कर देता मैंने इसको। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल नेट केपी फॉर रिएक्शन, तो केपी इक्वल टू दी, ये हो जाएगा केपी टू का तो स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा बेटो Kp1, इस तरह का मैग्नीट्यूड मिलेगा। अब बच्चों यहां पर Kp2 का वैल्यू पुट कर देंगे, Kp2 का वैल्यू दे रखा है 6×10^-3, और इसका स्क्वायर करना है, तो इसको मैंने 2 टाइम्स लिख लिया है, 6×10^-3 अपॉन में बच्चों Kp1 का मैग्नीट्यूड पुट कर दो, और Kp1 का मैग्नीट्यूड आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना दे रखा है आप चेक कर सकते हैं Kp1 का मैग्नीट्यूड। यहां पर Kp1 का मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए, तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए
केपी वन क्वेश्चन में गिवन है, तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर केपी वन का मैग्नीट्यूड आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है 10^-14। तो 10^-14 जो केपी वन का मैग्नीट्यूड है, इस केपी वन के मैग्नीट्यूड की अपन यहाँ पर बच्चों हेल्प लेंगे। तो वैल्यू पुट कर देते हैं बेटो यहाँ पर, केपी वन का वैल्यू पुट करने पर 10^-14 ये केपी वन का मैग्नीट्यूड पुट कर दिया जाए। अब यहाँ से कैलकुलेशन की जाए बेटा, तो आपको यहाँ से नेट केपी मिलेगा, नेट केपी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये कैंसिल यहाँ से कैलकुलेट किया तो कम्प्लीटली 10^-6 कैलकुलेट होगा, यहाँ से 10^-8 बचेगा, तो बच्चों ये हो जाएगा 36 × 10^-8 ऊपर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, जिसको लिख पाएंगे बेटो 3.6 × 10^7 ये बच्चों आपके पास नेट केपी आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में बच्चों केपी नहीं पूछा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का मैग्नीट्यूड। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का मैग्नीट्यूड आपको टेम्परेचर 1120 केल्विन दे रखा है, और इस टेम्परेचर पर जब आप बच्चों केसी का मैग्नीट्यूड फाइंड करने जा रहे हैं तो आपको रिलेशन अप्लाई करना पड़ेगा। बच्चों केपी और केसी में एक रिलेशन होता है, केपी इक्वल टू द केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी। जैसा कि आप सबको पता है केपी और केसी का जो रिलेशन है ये क्या है, केपी इक्वल टू द केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी। तो मेजर जो रिएक्शन है उसके लिए आप पहले डेल्टा एनजी का वैल्यू चेक कर लें और देन रिलेशन में वैल्यू पुट कर दें, देखें किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो बच्चों रिलेशन अप्लाई करने पर केपी इक्वल टू द केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी, इस तरह से हम यहां पर रिलेशन को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले मेजर रिएक्शन जो दे रखा है, उस मेजर रिएक्शन के लिए हमें मेजर रिएक्शन के लिए अगर यहां पर टेम्परेचर देखा जाए तो आप देख सकते हैं 1120 टेम्परेचर है, और बच्चों मेजर रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी का मैग्नीट्यूड फाइंड किया जाए तो डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से बेटो डेल्टा एनजी का मैग्नीट्यूड चेक करें तो 2 moles ऑफ गैसेस प्रोडक्ट है और यहां पर 2+1 3 moles ऑफ गैसेस रिएक्टेंट है, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू यहां से ऑब्टेन हो रही है 2-3 व्हिच इज इक्वल टू द -1। तो यहां से बच्चों डेल्टा एनजी का मैग्नीट्यूड -1 के इक्वल ऑब्टेन हुआ है, तो डेल्टा एनजी अगर -1 है तो आप उस रिलेशन में डेल्टा एनजी का वैल्यू -1 पुट कर दें, और केपी की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 3.6 × 10^7 ये आपको केपी मिल चुका है। तो केपी पता है, केसी कैलकुलेट करना है, डेल्टा एनजी अपन निकाल चुके हैं कितना चुका है, -1 मिल चुका है। अब यहां से केपी इक्वल टू केसी इंटू आरटी पावर डेल्टा एनजी में वैल्यू पुट करने पर, ठीक है, तो वैल्यू पुट करते ही आपको केसी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, देखते किस तरह सोल्व करते हैं। तो बेटो यहां पर बात कर रहे हैं केपी इक्वल टू केसी इंटू आरटी पावर डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी निकाल चुके बच्चों -1 आ रहा है। अब यहां से बेटा लिखेंगे इसको अपन केपी इक्वल टू केसी कैलकुलेट करना है, आर का मैग्नीट्यूड पुट कर दें 0.0821, टेम्परेचर है 1120 केल्विन और डेल्टा एनजी कितना आ रहा है बेटा -1 आ रहा है, और केपी का मैग्नीट्यूड वहां से पुट कर देंगे तो केपी कितना है बेटो 3.6 × 10^7, इस तरह से यहां से केसी फाइंड करेंगे तो केसी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा केसी इक्वल टू दी, ये -1 पावर है तो ये अपॉन में चला जाएगा पूरा टर्म, यहां से इसे लिखेंगे 3.6 × 10^7 और अपॉन में कितना है 0.0821 × 1120, यहां से आपको आंसर ऑब्टेन होगा बेटो। तो यहां से आपको आंसर ऑब्टेन होगा, देखते हैं क्या आंसर ऑब्टेन होगा, तो बेटा यहां आपको आंसर जो आएगा वो मिलने वाला है 3.31 × 10^7, यानी कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों फर्स्ट जाने वाला है। तो क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन करेंगे कैलकुलेशन करेंगे यहां से, तो यहां से इससे डिवाइड करने पर 3.6 × 10^7 को बच्चों आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो फर्स्ट ऑब्टेन होगा, ठीक है डियर। इस तरह से बच्चों अपन क्वेश्चन अपन को सोल्व करेंगे, सबसे पहले नेट केपी निकाल लेंगे और नेट केपी मिलने के बाद बच्चों आप डेल्टा एनजी फाइंड करेंगे रिएक्शन के लिए, डेल्टा एनजी जो ऑब्जेक्ट रिएक्शन है उसके लिए कितना आ रहा है -1 आ रहा है, और जैसे डेल्टा एनजी -1 होगा आप क्या कर देंगे बेटा केपी इक्वल टू केसी इंटू आरटी पावर डेल्टा एनजी। तो केपी पता है अपने को 3.6 × 10^7, केसी
कैलकुलेट करना है, और आर टी आर का वैल्यू एटमोस्फेयर में क्या रख देंगे, 0.021। टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन है बेटा 1120 केल्विन, ठीक है, और डेल्टा एनजी की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो सारी टर्म अपन में चली जाएगी। तो यहाँ से अपन ने कैलकुलेट किया, तो अपने को यहाँ से बच्चों केसी का मैग्नीट्यूड ऑब्टेन हो गया, और केसी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 3.3 × 10⁻¹। तो आपको आंसर मिल जाएगा फर्स्ट, ठीक है डियर। आगे चलते हैं बच्चों, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है पढ़ते हैं बेटो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन NaCN प्लस HCN। तो NaCN प्लस HCN जो दे रखा है बच्चों, ये जो NaCN प्लस HCN है ये कैसा है, एसिडिक बफर है। ये जो NaCN प्लस HCN आपको दे रखा है ये बच्चों कैसा है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, अम्लीय बफर विलयन है। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्यों कह रहे हैं बेटा इसको, क्योंकि यहाँ पर ये कैसा है, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट है, और ये कैसा है बच्चों, वीक एसिड है। तो वीक एसिड और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ बना हुआ सॉल्ट NaCN यहाँ पर मिक्स किया हुआ है। तो बच्चों HCl के कितने मोलों की आवश्यकता होगी ऐसा आपसे पूछा हुआ है, तो आपको सबसे पहले बच्चों यहाँ पर रिएक्टेंट कौन कौन लेने पड़ेंगे, एक तो सोडियम साइनाइड यहाँ पर रिएक्टेंट होगा, और एक HCl बच्चों यहाँ पर रिएक्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि HCl के मोल्स मिला रहा है, वो किसमें मिला रहा है, NaCN के अंदर वो HCl के मोल्स मिला रहा है। तो सबसे पहले आप रिएक्शन बना लो, और रिएक्शन से चेक करो किस तरह से बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। तो NaCN में जब HCl मिलाएंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे उनको देख लेते हैं, और किस किस का अमाउंट लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग रिमेनिंग होगा, कौन कौन सा बचेगा, इस बात से अपन बच्चों यहाँ पर HCl के मोल्स फाइंड कर लेंगे। तो देखते हैं बेटो किस तरह से रिएक्शन बनेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन लिखा जाए NaCN सोडियम साइनाइड प्लस HCl, फॉर्मेशन होगा बेटो NaCl और साथ में हाइड्रोजन साइनाइड HCN का फॉर्मेशन होगा। इस तरह की रिएक्शन बच्चों यहां पर देखने को मिलेगी। अब बच्चों इनिशियली आपको NaCN का मोल दे रखा है 0.01, इसका मोल दे रखा है 0.01, ठीक है। अब इसके मोल तो अपने को फाइंड करना ही है, HCl के कितने मोल मिलाए जाए ये तो अपने को देखना ही है, ठीक है, क्योंकि ये तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बफर सॉल्यूशन बोल दिया उसने, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा, ये होगा LR, इसी की वैल्यू X की इक्वल मानी जाएगी बेटो, ठीक है। तो ये डिसोसिएट होगा बच्चों, ये NaCN डिसोसिएट होगा 0.01 - X, इसका सपोज करो इनिशियली A मोल मिलाया हुआ है, ये डिसोसिएट होगा तो A - X जाएगा, ठीक है, और ये NaCl X की इक्वल बनेगा, और HCN भी बच्चों यहाँ से X की इक्वल बनेगा। तो जो वैल्यू X की होगी बच्चों वो X की वैल्यू यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट होगी, LR होगी, ठीक है। तो X का वैल्यू HCN के मोल के बराबर ही ऑब्टेन होगा, तो जो X की वैल्यू आएगी वही HCl के मोल भी होंगे, तो HCN के मोल HCl के मोल के बराबर ऑब्टेन होंगे, ऐसा यहाँ से अपने को देखने को मिलेगा। अब बच्चों क्वेश्चन में आपको इस बफर सॉल्यूशन के लिए pH का मैग्नीट्यूड दे रखा है, pH इक्वल टू 8.5 है, और यहाँ से HCN के लिए pKa निकाल सकते हैं बेटो, तो 10 - log4 कर देंगे अप्रोक्सीमेटली, तो 10 - log4 करोगे बेटा तो log 4 का वैल्यू होता है 0.6020, तो यहां से pKa का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा बेटा, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूं pKa फॉर HCN, pKa HCN का हो जाएगा 10 - log4, ठीक है बच्चों। तो 10 - log4 का वैल्यू कितना है 0.6020, तो 0.6 मानते हुए ये आपको 9.4, ये आपके पास बच्चों pKa आ गया HCN के लिए, तो pKa फॉर HCN है 9.4, ठीक है। अब बच्चों बफर सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है, तो हेंडरसन इक्वेशन लगाएंगे, pH इक्वल टू द pKa प्लस log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट यानी कि NaCN अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड यानी कि HCN, ठीक है डियर। अब बच्चों pH का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है देख सकते हैं, 8.5, यहां रख दें pH का मैग्नीट्यूड 8.5 इक्वल टू pKa कितना निकाला आपने 9.4 प्लस ये हो जाएगा log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट यानी कि NaCN और अपोनो बच्चों कौन आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ HCN, ठीक है डियर। अब बच्चों इस 9.4 को इधर शिफ्ट कर लेंगे, आप इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 8.5 और ये आएगा तो इधर माइनस का हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ बेटा 8.5 - 9.4 इक्वल टू
इधर क्या रह गया, लॉग बेस 10। अब सॉल्ट की कंसंट्रेशन तो कितनी है देख सकते हैं यहां से, 0.01 माइनस एक्स के इक्वल है, और एसिड कितना बेटा एक्स के इक्वल है, वैल्यू पुट कर दो यहां से, ठीक है। अब बच्चों ये माइनस करने पर कितना बच रहा है आप देख सकते हैं, 9.4 माइनस 8.5 कर लो, तो यहां से ये 0.9, ठीक है, और ये कितना रहेगा 8, तो 0.9 बचेगा, और वो भी माइनस का बच रहा है, तो माइनस का 0.9 इक्वल टू दी लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितनी है 0.01 अपॉन वो कौन है एक्स। अब बच्चों एंटी लॉग कर दो, तो नेगेटिव एंटी लॉग होगा ये, और नेगेटिव एंटी लॉग होगा तो 10 × 10 1 माइनस डेसिमल के बाद वाली नंबर कितनी है 0.9, और यहां कहेंगे माइनस इंटू 1 प्लस डेसिमल से पहले वाली नंबर कितनी है 0, ठीक है। इधर से लॉग हट जाएगा, लॉग हट जाएगा तो यहां कितना बचेगा 0.01 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अब बच्चों ये तो कितना हो गया 10⁻¹, और ये कितना बचेगा 1 माइनस 0.9 मतलब 0.1 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया 10⁻¹, और यहां कितना बच रहा है 10⁻⁻¹ इक्वल टू इधर कितना है 0.01 माइनस एक्स अपॉन एक्स, इस तरह का रह जाएगा। अब बच्चों 0.1 जो है वो लॉग में कितने की वैल्यू है आपको ये देखना है, तो 0.1 लॉग में कितने का वैल्यू है ये आपको यहाँ पर चेक करना था, ठीक है डियर। तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप कह सकते हैं कि 0.1 लॉग 1 से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, और लॉग 1 से थोड़ा ज़्यादा है और लॉग 2 से कम है, तो ऐसे किस्म आप अप्रोक्सीमेशन करेंगे, और अप्रोक्सीमेशन करके यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर लेंगे, तो 1.2 के अप्रोक्सीमेट आप यहाँ पर वैल्यू ले लें, तो आप जब 1.2 के अप्रोक्स वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1.2 × 10⁻¹, ठीक है, इक्वल किसके हो जाएगा बेटा, वहां से वैल्यू लिख देंगे 0.01 माइनस एक्स अपॉन में कौन बचेगा एक्स। अब बच्चों ये 10⁻¹ है तो 0.12 हो जाएगा, 0.12 इक्वल टू 0.01 माइनस एक्स अपॉन एक्स, बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 0.12x इक्वल टू 0.01 माइनस एक्स ये बचेगा, और इस x को ले जाएंगे बेटा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1.12x इक्वल टू 0.01 ऐसा बचेगा। यहां से बच्चों x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x इक्वल टू 0.01 अपॉन 1.12 ये आपको ऑब्टेन होगा। अब बेटा ये तो 10⁻², है और 1.12 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8.8 के आसपास आएगा, तो 8.8 इंटू 10⁻¹ और 0.1 आएगा, 1.1 से डिवाइड करें तो इसलिए -3 आएगा, तो 8.8 इंटू 10⁻³ ऐसा कुछ आपको आंसर ऑप्टेन होगा। इसका मतलब आपको यहां पर आंसर फर्स्ट आएगा आपका बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर मिलेगा फर्स्ट, आंसर आपको देना पड़ेगा पहला, ठीक है डियर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो जो x की वैल्यू ऑप्टेन हो रही बेटो, यही x की वैल्यू क्या है बेटो, लिमिटिंग रिएजेंट है, HCl के मोल्स भी हैं, और यही x की वैल्यू बच्चो वीक एसिड HCN के लिए नंबर ऑफ मोल्स भी यहां पर ऑप्टेन होंगे, ठीक है डियर। इस तरह से बच्चों अपन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है डियर। तो आगे चले बेटा, आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये था क्वेश्चन नंबर 2, और नेक्स्ट अपन बात करें बेटो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द Ag+ आयन इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag2CrO4 एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 1.5 × 10⁻⁴ m, डिटरमाइन द Ksp ऑफ Ag2CrO4 एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है डियर। तो बच्चों एक सॉल्ट आपको दे रखा है Ag2CrO4 सिल्वर क्रोमेट, और ये जो सिल्वर क्रोमेट है बच्चों इसके लिए आपको Ksp का वैल्यू दे रखा है। अब बच्चों आपको इस सॉल्ट के लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए सॉरी, आपको यहां पर दे क्या रखा है, Ag+ की कंसंट्रेशन दे रखी बेटा, आपको इस क्वेश्चन में कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ आयन दे रखा है, तो Ag+ आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है 1.5 × 10⁻⁴, हमसे Ksp पूछा हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों आप इस Ag2CrO4 को डिसोसिएट करेंगे, तो Ag2CrO4 एक्वस मीडियम में किस तरह आयनाइज होगा देख सकते हैं, ये आयनाइज होगा बेटो 2Ag+ प्लस CrO4-2, इस तरह से आयनाइज होगा। अब बच्चों इनिशियली इसकी सॉल्युबिलिटी S है, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा,
आफ्टर टी टाइम ये बच्चों 2s ऑब्टेन होना चाहिए और ये s के इक्वल ऑब्टेन होना चाहिए। तो बच्चों यहां से आप देख सकते हैं कि Ag प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है ये 2s के इक्वल है और ये आपको क्वेश्चन में दे रखी है, आपको क्वेश्चन में 2s का मैग्नीट्यूड दे रखा है जो कि Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन है। इसका वैल्यू पुट कर दो 1.5 × 10⁻⁴, यहां से s की वैल्यू निकाल लो बेटो, सॉल्युबिलिटी फाइंड कर लो, तो ये हो जाएगी 1.5 × 10⁻⁴/2। यहां से इसको लिख पाएंगे 0.75 × 10⁻⁴, जिसको क्या कह सकते हो बेटो 7.5 × 10⁻⁵। ठीक है डियर, 7.5 × 10⁻⁵। ये बच्चों आपके पास सॉल्युबिलिटी आ गई है, एस आ गई है। अब बच्चों Ag2CrO4 जो सॉल्ट दे रखा है इसके लिए केएसपी निकालना है। तो ये सॉल्ट बच्चों कैसा है, A2B टाइप का सॉल्ट है, ये जो सॉल्ट है वो A2B टाइप का है। और बच्चों ध्यान रखें अगर सॉल्ट A2B टाइप का है तो A2B टाइप के सॉल्ट के लिए केएसपी का फॉर्मूला बच्चों 4s³ होता है। A2B टाइप के सॉल्ट्स के लिए केएसपी का जो फॉर्मूला है वो 4s³ के इक्वल होता है। तो आप यहां पर पुट कर दें फॉर्मूला, केएसपी कैलकुलेट करना है तो बच्चों केएसपी इक्वल टू हो जाएगा 4s³ और s की वैल्यू पुट कर दो जो आपने कैलकुलेट कर ली है। तो केएसपी इक्वल टू दे 4 × s की वैल्यू कितनी है 7.5 × 10⁻⁵ का क्यूब हो जाएगा। ठीक है डियर, 7.5 × 10⁻⁵ का क्यूब आपको देखने को मिलेगा। तो 7.5 × 10⁻⁵ का होल क्यूब, यहां से इसको सोल्व करेंगे बेटो तो आपको यहां से केएसपी का मैग्नीट्यूड ऑप्टेन हो रहा है और यहां से आपको केएसपी जो एग्जैक्ट ऑप्टेन होगा ये ऑप्टेन होगा बेटा फर्स्ट 1.68 × 10⁻½, इस तरह का आपको आंसर यहां से ऑप्टेन हो जाएगा। ठीक है डियर, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए सॉल्यूशन। ये हमने देखा किस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड को अपन ने यहां पर सॉल्व किया है। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे सॉल्ट को, डिसोसिएट करके 2s का जो मैग्नीट्यूड है जो सॉल्युबिलिटी के इक्वल है जो कि Ag प्लस आयन की सॉल्युबिलिटी है क्वेश्चन में दे रखी है, यहां से अपन पर्टिकुलर सॉल्ट के लिए सॉल्युबिलिटी निकाल लेंगे। और सॉल्युबिलिटी ऑब्टेन होने के बाद बच्चों केएसपी A2B टाइप के सॉल्ट के लिए कितना होता है 4s³ के इक्वल होता है, यहां से अपन s की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है डियर, आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है डियर, तो देखेंगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखें, पढ़ते हैं बेटा। विल ए प्रेसिपिटेट फॉर्म इफ वन वॉल्यूम ऑफ 0.1 m Pb+2 आयन सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद 3 वॉल्यूम ऑफ 0.3 m Cl- आयन सॉल्यूशन। ठीक है, और केएसपी दे रखा है 1.7 × 10⁻⁵ m³। ठीक है डियर, तो बच्चों ध्यान रखें सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखें बच्चों। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आपको उस सॉल्ट के लिए आयनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेना है, आपको उस सॉल्ट के लिए KI आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट कैलकुलेट कर लेना है और फिर आपको क्वेश्चन में KSP यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विलेयता गुणनफल दे रखा है। और जैसे ही आप आयनिक गुणनफल निकाल लेंगे, विलेयता गुणनफल दे रखा है तो आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का बच्चों कंपैरिजन कर लोगे। अगर यहां देखेंगे कि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है किससे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है तो बच्चों ऐसे केस में उस सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, अदरवाइज उस सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन में चेक क्या करना है, आपको चेक करना है बच्चों आयनिक प्रोडक्ट KI और KSP ऑलरेडी गिवन है, तो आप पहले आयनिक प्रोडक्ट निकाल लें और आयनिक प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको बच्चों कंसंट्रेशन दे रखें, देखते कैसे निकालेंगे। तो बेटो बात करें आयनिक प्रोडक्ट की, तो आयनिक प्रोडक्ट का जो वैल्यू है उसके लिए बच्चों आपको यह देखना पड़ेगा कि KI जो होगा PbCl2 का, KI इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ Pb+2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl- का स्क्वायर, इस तरह से आयनिक प्रोडक्ट लिखा जाएगा। तो बच्चों KI आयनिक प्रोडक्ट Pb+2 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 m यानी कि 10⁻¹। ठीक है, और इसका एक आयतन ले रहा है, वन वॉल्यूम ले रहा है। ठीक है, तो और तीन वॉल्यूम उसके ले रहा है, तो टोटल वॉल्यूम बच्चों ये आपको मोलरिटी दे रखी है, मोलरिटी दे रखी है ऑलरेडी। ठीक है, तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम से तो मोल्स बनते हैं, परंतु हमको यहां पर वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब 10⁻¹ इसकी मोलरिटी है और Cl- तो 2Cl मिलेगा, तो 2 × Cl- की कंसंट्रेशन लिख दो 0.3। ठीक है,
और इसका थ्री वॉल्यूम ले रहा है, मतलब थ्री टाइम्स ले रहा है, ये थ्री टाइम्स लिया हुआ है। तो बेटो इसको लेंगे यहां पर थ्री टाइम्स, तो बच्चों अगर यहां बात करें तो मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, इसका तो वॉल्यूम कितना है, वन वॉल्यूम, वन लीटर मान लें, अपॉन टोटल वॉल्यूम फोर लीटर हो जाएगा, इधर भी 2Cl- हो गया, इनटू वॉल्यूम कितना है 3 लीटर, टोटल वॉल्यूम 4 लीटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से बच्चों क्या ही कैलकुलेट करना है, तो ये तो कितना दिख रहा है, 1 वॉल्यूम है तो 1/4 मतलब 0.25 इनटू 10^-1, और इधर बच्चों बात करें तो 2 × 3 6 हो जाएगा, और 6 × 0.3 करेंगे तो 1.8 आ जाएगा। यहाँ से 1.8/4 और स्क्वायर है बेटो, स्क्वायर का ध्यान रखें, इस तरह से स्क्वायर कर लेंगे। अब बच्चों यहाँ से इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा के आई आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू, आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू दी, इसको लिख सकते हैं बेटो 18 × 10^-1, ठीक है, और उधर लिख सकते हैं 25 × 10^-3 इंटू, इधर हो जाएगा स्क्वायर करना है तो 18 × 10^-1 अपॉन 4 का स्क्वायर है। ओके, और इसको सिंपल कर लें तो 9 टाइम्स 2 से, और ये 2 टाइम्स, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे इधर तो 81 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ से आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू 25 × 10^-3 और इंटू में ये हो जाएगा 81 / 2 × 10^-2 हो जाएगा स्क्वायर में। ठीक है, अब बच्चों इसको यहाँ पर के आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं 2 से 25 को कैंसिल कर लेंगे, या इसको अप्रोक्सीमेटली 40 टाइम्स कैंसिल कर लो आप। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 25 से 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1000, ये 1000 हो जाएगा, ये 1000 हो गया, ये 10^-5 है, -3 और -2, इसको लिख सकते हैं बट बेटा क्या लिख सकते हैं, के आई इक्वल टू दी 10^-3 कैंसिल हो जाएंगे तो -2 बचेगा, तो के आई का वैल्यू आ रहा है 10^-2। बच्चों आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू आ रही है 10^-2, और आपको बच्चों सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कितना दे रखा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देख सकते हैं, यहाँ पर के आई का वैल्यू दे रखा है 1.7 × 10^-5। अब के आई का वैल्यू तो -2 में मतलब बहुत ज्यादा है, और के एस पी का वैल्यू -5 में मतलब बहुत कम है, तो के आई की वैल्यू के एस पी से ज्यादा मिल रही है बेटो। तो अगर बच्चों यहाँ पर के आई की वैल्यू के एस पी से ज्यादा है, के आई की वैल्यू ज्यादा है बच्चों किससे, के एस पी से, और अगर ये कंडीशन है तो बच्चों ये सॉल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, असंतृप्त विलयन है। इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे आप, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन, और अगर असंतृप्त विलयन है, सॉरी के आई की वैल्यू के एस पी से ज्यादा है, ऐसे केस में सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा ये, और अगर ये सॉल्यूशन बच्चों सुपर सैचुरेटेड है, इस सॉल्यूशन को अपन कह रहे हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और अगर बच्चों सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहीं पर है तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ध्यान रखें प्रेसिपिटेशन होता है, तो यहां पर प्रेसिपिटेशन होगा, पीपीटी फॉर्म हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर जाएगा यस। ऐसे केस में आप कहेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में PbCl2 का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, PbCl2 इजीली प्रेसिपिटेट बना लेगा। ध्यान रखें जब भी KSP KI से कम है या KI की वैल्यू KSP से ज्यादा है, यानी कि आयनिक प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बच्चों सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा ऑब्टेन हो रहा है, ऐसे केस में बच्चों सॉल्यूशन की वैल्यू कैसी होगी, सॉल्यूशन की जो नेचर है वो कैसी होगी, सुपर सैचुरेट होगी, और यदि बच्चों सॉल्यूशन सुपर सैचुरेट है तो ऐसे केस में उस सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन जरूर होगा। तो अगर आप कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं तो ऐसे केस में उस PbCl2 का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने अथवा घटाने की मैं बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है, इसलिए KI का वैल्यू KSP से ज्यादा होने पर इजीली प्रेसिपिटेट डाउन हो जाएगा। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ तो बेटा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटो, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखें, द रेशियो ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सोडियम एसिटेट एंड 1 मोल ऑफ HCl एंड
solution second containing 1 mole of sodium acetate and 1 mole of acetic acid in 1 liter is, ठीक है dear, तो बच्चों first जो solution है उसमें क्या क्या है, 1 mole of sodium acetate है और 1 mole of HCl है, तो हमको सबसे पहले बच्चों यहाँ पर reaction लिखना पड़ेगा और check करना पड़ेगा buffer solution बन रहा है या फिर salt बन रहा है या फिर कोई weak acid ही obtain हो रहा है, इस तरह की condition को अपने को पहले क्रॉस चेक कर लेना चाहिए रिएक्शन लिखकर, ठीक है डियर। तो सबसे पहले बच्चों अपन देखेंगे यहां पर रिएक्शन लिखकर क्या रिएक्शन होने वाली है। तो बेटो सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन के बारे में सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए, तो CH3COOHNA और किसको मिक्स कर रहे हैं यहां पर, 1 मोल ऑफ HCl को मिक्स कर रहे हैं, ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है और प्रोडक्ट फॉर्म होगा बेटो CH3COOH और साथ में बच्चों NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि दोनों ही यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट है, ये भी डिसोसिएट होगा तो 1-x जाएगा, ये भी डिसोसिएट होगा तो 1-x जाएगा, दोनों कैसे हैं लिमिटिंग रिएजेंट है, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे केस में बच्चों यहां पर ये एसिटिक एसिड ऑब्टेन होगा और साथ में सॉल्ट बन रहा है जिससे कोई मतलब है नहीं अपने को, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है बेटा, तो ऐसे केस में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए यहां पर जो बचेगा वो कौन बचेगा, वीक एसिड बचेगा, एसिटिक एसिड, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बच्चों एक्स के इक्वल होगी यानी कि 1 मोल पर लीटर होगी, क्योंकि आपको बच्चों इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो दे रखा है 1 लीटर दे रखा है, ठीक है, तो 1 लीटर है और 1 मोल है तो एक्स की वैल्यू यहां से 1 मोल आ रही है, एक्स इक्वल टू 1 है, वॉल्यूम 1 लीटर है तो कंसंट्रेशन आएगी बेटा वीक एसिड के लिए 1 एम। अब बच्चों वीक एसिड अगर है तो वीक एसिड की पीएच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वीक एसिड की पीएच के लिए बच्चों अपने ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन थ्योरी से या आरएनएस थ्योरी से पीएच का फॉर्मूला लिखा था, पीएच का फॉर्मूला था बेटो, तो पीएच फर्स्ट कह सकता हूं, फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए पीएच इक्वल टू द हाफ पीके माइनस हाफ लॉग सी, इस तरह का फॉर्मूला होता है, ठीक है डियर, वैल्यू पुट कर दो तो पीएच 1 इक्वल टू द हाफ पीके माइनस हाफ लॉग सी, सी कितना है बेटा 1 एम है तो लॉग 1 हो जाएगा और log 1 की वैल्यू तो बच्चों 0 होती है, log 1 की वैल्यू कितनी है 0 के इक्वल है, ऐसे केस बच्चों ये पूरी टर्म यहां से 0 के इक्वल हो जाएगी और अगर ये 0 होगी तो pH का वैल्यू यहां से हाफ pKa के इक्वल मिलेगा, यहां से बच्चों pH 1 का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा हाफ pKa के इक्वल ऑब्टेन हो जाएगा, ये तो हो गया pH फर्स्ट यानी फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए। अब बच्चों सेकंड सॉल्यूशन में कौन है आप देख सकते हैं, बच्चों सेकंड सॉल्यूशन में है 1 मोल ऑफ सोडियम एसीटेट और 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड तो बच्चों कैसा वीक एसिड है, ये एसिटिक एसिड तो वीक एसिड है और ये सॉल्ट कैसा है वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ बना हुआ सॉल्ट है, ये वीक एसिड एसिटिक एसिड का NaOH के साथ बना हुआ सॉल्ट है, तो ऐसे किस्म बच्चों ये जो सेकंड सॉल्यूशन है ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनेगा, ये बफर सॉल्यूशन लाइक बिहेव करेगा और बफर सॉल्यूशन अगर है तो बफर की पीएच के लिए हेंडरसन इक्वेशन यहां पर अपन यार यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो हेंडरसन इक्वेशन देखते बेटो यहां पर, तो सेकंड सॉल्यूशन के लिए पीएच इक्वल टू दी पीके प्लस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट यानी कि CH3COOHNA अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH वीक एसिड, और दोनों के इसका भी 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है तो लॉग 1 रहेगा बेटा और लॉग 1 रहेगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यहां से बच्चों पीएच 2 जिसे कह रहे हैं ये pKa के इक्वल मिलेगा, यहां से pH2 का मैग्नीट्यूड बच्चों pKa के इक्वल मिलेगा, तो आप फर्स्ट सॉल्यूशन की pH निकाल चुके हैं हाफ pKa आ रही थी और सेकंड सॉल्यूशन की जो pH है बच्चों कितनी आ रही है pKa के इक्वल आ रही है और इन दोनों का बच्चों रेशियो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो आप यहां पर रेशियो कर दें बेटो pH फर्स्ट अपॉन pH सेकंड, रेशियो निकालना है pH फर्स्ट अपॉन pH सेकंड इज इक्वल टू द pH फर्स्ट कितनी बेटो हाफ pKa के इक्वल है और pH सेकंड कितनी बेटो pKa के इक्वल है, यहां से pKa कट गया मतलब 1/2 रह जाएगा तो आपको बच्चों यहां पर रेशियो मिलेगा 1:2, आपका आंसर जाएगा 1:2 यानी कि आंसर बच्चों फर्स्ट चला जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बच्चों आंसर देंगे फर्स्ट, ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आपने देखा हुआ, पहले सॉल्यूशन में तो वीक एसिड ऑब्टेन हुआ है और सेकंड सॉल्यूशन बच्चों आपको वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट के साथ बना हुआ मिक्सचर मिल रहा है जो कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन होगा और यदि एसिडिक बफर सॉल्यूशन बन रहा है तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए आप हेंडरसन इक्वेशन यूज करेंगे और हेंडरसन इक्वेशन से आप उसकी पीएच कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है डियर, तो आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखने जा रहे हैं,
क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है? क्वेश्चन नंबर सिक्स पढ़ते हैं बेटा। द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर ए रिएक्शन इन एक्वस फेज हैविंग केसी इक्वल टू वन वुड बी, ठीक है, तो केसी का मैग्नीट्यूड दे रखा है और डेल्टा जी नॉट यानी कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी आपसे पूछा हुआ है। बच्चों डेल्टा जी नॉट को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी अगर आपको पूछनी है तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ बच्चों रिलेशन होता है। अब यहां पर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेशन लगेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले आपको यहां पर रिलेशन नोट करना चाहिए बेटो, ठीक है डियर। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों रिलेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट वर्सेज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी। तो रिलेशन होगा बेटा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू दी -2.303 आर टी लॉग बेस 10 के सी। इस तरह का रिलेशन आपको बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेल्टा जी नॉट के साथ देखने को मिलेगा। अब बच्चों डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना है -2.303 आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, और लॉग बेस 10 के सी की वैल्यू कितनी है बेटा 1, और के सी की वैल्यू 1 पुट कर दो तो लॉग 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि पूरी टर्म बच्चों 0 हो जाएगी, और पूरी टर्म 0 होते ही यहां से डेल्टा जी नॉट का मैग्नीट्यूड बच्चों 0 के इक्वल ऑब्टेन होगा, यानी कि आपको डेल्टा जी नॉट कितना ऑब्टेन हो रहा है, 0 ऑब्टेन हो रहा है। ऐसे किस बच्चों आंसर चला जाएगा थर्ड इस क्वेश्चन के लिए आंसर देंगे बच्चों, थर्ड इस क्वेश्चन का पर आंसर होगा, ठीक है डियर। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है पढ़ते हैं। मॉर्फिन विच इज यूज्ड मेडिकली टू रिलीव पेन इज ए बेस, ठीक है, व्हाट इज इट्स कॉन्जुगेट एसिड। बच्चों मॉर्फिन जो है वो कैसा है, एक बेस है, बेसिक नेचर का कंपाउंड है, तो मॉर्फिन पेन किलर है ऐसा बोल रहा है और एक बेसिक नेचर का कंपाउंड है। हमको तो मतलब किससे बच्चों, बेसिक नेचर से, तो बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, ध्यान रखे बच्चों कॉन्जुगेट एसिड कौन होता है और कॉन्जुगेट बेस कौन सा होता है। तो बच्चों ब्रॉन्स्टेंट लॉरी के अकॉर्डिंग यानी कि ब्रॉन्स्टेंट की जो थ्योरी है उस ब्रॉन्स्टेंट की थ्योरी में क्या कहा गया था, ब्रॉन्स्टेंट की थ्योरी में बच्चों ये कहा था कि जो भी कंपाउंड जिसके पास ओरिजिनल कंपाउंड की कंपेटिबली 1H+ अगर ज्यादा है तो आप उसे कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे, और ओरिजिनल कंपाउंड की अगर कंपेरेटिव बात करें, कंपेरिजन की बात कर लें, तो अगर 1H+ कम है तब तो कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे उसको, और 1H+ ज्यादा है तो आप उसको कॉन्जुगेट एसिड की कैटेगरी में पुट करेंगे। तो आपको यहां पर कॉन्जुगेट एसिड पूछ रहा है यानी कि 1H+ ज्यादा होना चाहिए, और H+ जब जुड़ेगा तो उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज ऑब्टेन हो जाएगा। देख लेते हैं 1H+ किस में ज्यादा है और पॉजिटिव चार्ज कहां पर है, ठीक है यार। तो बच्चों आप देखें यहां पर, यहां ओरिजिनल कंपाउंड क्या था, C17H19NO3 ये कंपाउंड था, तो यहां पर हाइड्रोजन कितना है 19 है बेटो, यहां पर हाइड्रोजन कितना है 19 है। अब हाइड्रोजन यहां पर 19 है बट यहां तो 18 ही है, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन कम है यहां पर, तो हाइड्रोजन कम होगा तो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा, ठीक है, तो ये तो कॉन्जुगेट एसिड हो नहीं सकता। इधर देखें यहां पर भी 18 हाइड्रोजन है और कोई चार्ज नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, H+ की कोई रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं है। यहां बात करें तो 20 है और नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब H- ऐड हो रहा है, यहां पर H+ ऐड नहीं हुआ है, H- ऐड हुआ है। और लास्ट में देखें यहां पर बच्चों 19 और ये 20 है और पॉजिटिव चार्ज भी है, मतलब यहां पर एक H+ ज्यादा है, फोर्थ ऑप्शन में 1H+ ऐड हो रहा है, 1H+ ज्यादा है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल मॉलिक्यूल मॉर्फिन, ठीक है डियर, इसलिए फोर्थ इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है वही बच्चों मॉर्फिन का कॉन्जुगेट एसिड होगा, ठीक है डियर। तो यहां पर आंसर देंगे अपन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर फॉर कॉन्जुगेट एसिड ऑफ मॉर्फिन, ठीक है डियर। आगे चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, देखें क्या क्वेश्चन है। विच इज द सेट ऑफ एम्फोटेरिक स्पीसीज, तो निम्न में से कौन से समूह ऐसे हैं जो कि उभयप्रोटिक यानी कि एम्फोटेरिक स्पीसीज को शो कर रहे हैं। बच्चों ध्यान रखें एम्फोटेरिक स्पीसीज कौन होती है, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए बच्चों, एम्फोटेरिक स्पीसीज वो होते हैं जो H+ एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और H+ डोनेट भी कर सकते हैं, H+ एंड दे भी सकते हैं और H+ एंड एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं, ऐसी स्पीसीज को बच्चों एम्फोटेरिक या उभय प्रोटिक स्पीसीज कहा जाता है, ठीक है डियर। तो चेक करते हैं बच्चों किस ऑप्शन में सारे जो कंपाउंड्स हैं वो H+ ले भी सकते हैं और H+ दे भी सकते हैं, ऐसा अपने यहां पर चेक करना है। तो ध्यान दें बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन नंबर 1 की बात करें बेटा, तो ऑप्शन नंबर 1 में
यहां पर H3O प्लस, ये H प्लस दे तो सकता है बट H प्लस एक्सेप्ट नहीं कर सकता। HPO4 माइनस 2 ये बच्चों H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है और H प्लस दे भी सकता है, ठीक है। तो ये नहीं हुआ इसलिए ऑप्शन कैंसिल हो गया। यहां पर ये H प्लस दे भी सकता है, ग्रैंड भी कर सकता है। H2O बेटा ये H2O जो है H प्लस एक्सेप्ट भी कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा तो H3O प्लस बना लेगा और अगर H प्लस रिलीज करेगा तो OH माइनस बना लेगा। अब HPO3 माइनस 2 ये जो कंपाउंड है बच्चों इसमें H प्लस एक्सेप्ट तो कर लेगा परंतु ये H प्लस दे नहीं पाएगा क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है बच्चों ये रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है, ये H3PO3 से बन रहा है, एक्चुअल में ये H3PO3 से बना हुआ है और H3PO3 को आप देख सकते हैं P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH और यहां पर बच्चों आपको तीन ऑक्सीजन पहले से हो चुके हैं तो हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। ये जो हाइड्रोजन है यही बच्चों वो ये वाला हाइड्रोजन है जो कि रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, और रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है तो इसको आप H+ के फॉर्म में डोनेट नहीं कर पाएंगे इसलिए बच्चों ये एम्फोटेरिक नहीं हो सकता, ठीक है डियर। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड देखें बेटो H2PO4-, यहां पर बच्चों ये H+ दे भी सकता है और ले भी सकता है। H+ लेगा तो बच्चों H3PO4 बना लेगा, ठीक है, और H+ डोनेट करेगा तो बच्चों ये HPO4-2 का फॉर्मेशन कर डालेगा, ठीक है। ये इसके पास एक H+ अभी भी रिप्लेसेबल है और एक H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है। H2O2 ये भी H+ दे भी सकता है और H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है, तो बच्चों आंसर थर्ड जाएगा यहां पर। यहां पर आपको सारे एम्फीप्रोटिक या एम्फोटेरिक स्पीशीज कौन से मिल रहे हैं, यहां पर सभी के सभी ओवेप्रोटिक स्पीशीज बच्चों ऑप्शन नंबर थर्ड में है। ऑप्शन नंबर थर्ड में जितने भी मॉलिक्यूल्स दे रखे सारे के सारे H+ डोनेट भी कर सकते हैं और सारे के सारे H+ एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, इसलिए बेस्ट आंसर होगा बेटा थर्ड। आगे चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं क्या है। फॉर प्योर वाटर, शुद्ध जल के लिए पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है देखो बेटा, पीएच इंक्रीजेज व्हाइल पीओएच डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। गलत बात है बेटा, ध्यान रखें बच्चों जब जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो केडब्ल्यू की वैल्यू बढ़ेगी। जब जब तापमान बढ़ाएंगे केडब्ल्यू यानी कि जल का आयनिक गुणनफल, जल के आयनिक गुणनफल की वैल्यू तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है, और जब केडब्ल्यू बढ़ेगा तो पीकेडब्ल्यू घटेगा, और पीकेडब्ल्यू घटेगा तो जो पीएच तथा पीओएच दोनों के मैग्नीट्यूड घट जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर बच्चों पीकेडब्ल्यू घट रहा है इसलिए पीएच और पीओएच दोनों की वैल्यू घटनी चाहिए, इसलिए आंसर जाएगा ताप बढ़ाने पर पीएच तथा पीओएच दोनों के मान घटते हैं। इस तरह का आंसर आपको यहां पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। बेसिकली आपने बच्चों जंक्शन पॉइंट का नाम सुना होगा, एक जंक्शन पॉइंट यहां पर आप देखते हैं क्या होता है बेटा, पीएच प्लस पीओएच का मैग्नीट्यूड पीकेडब्ल्यू के इक्वल होता है। और बच्चों ध्यान रखें पीकेडब्ल्यू का मैग्नीट्यूड रूम टेम्परेचर पर 10^-14 होता है, सॉरी KW का मैग्नीट्यूड रूम टेम्परेचर पर 10^-14 है, तो PKW का मैग्नीट्यूड बच्चों रूम टेम्परेचर पर 14 हो जाएगा, ये PKW है। बट जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉन्टोप इक्वेशन के अकॉर्डिंग बच्चों टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर टेम्परेचर को 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया जाए तो ऐसे केस में KW का मैग्नीट्यूड बच्चों ये KW 10^-12 हो जाएगा, और KW का 10^-12 है नेगेटिव पावर घट गई है, ध्यान रखें नेगेटिव पावर घट गई मतलब KW बढ़ गया है, तो PKW का मैग्नीट्यूड बच्चों 12 रह जाएगा। ऐसे केस में PKW जब 12 होगा तो PKW PH प्लस POH का सम कितना रहेगा, 6+6 रह जाएगा। तो पहले PH कितनी थी, 7, और POH भी कितनी थी बेटा, 7 थी, अब PH कितनी रह गई है, 6 रह गई है, और POH भी कितनी रह गई है, 6 रह गई है। ऐसे केस में बच्चों कह सकते हैं कि टेम्परेचर का मान बढ़ाने पर PKW घटता है इसलिए PH तथा POH दोनों की वैल्यू घटते हैं। ओवरऑल सॉल्यूशन की नेचर जो है वो कैसी रहेगी, या ओवरऑल जो वाटर है जो जल की प्रकृति है वो उदासीन बनी रहेगी, ठीक है। तो ताप का मान बढ़ाने से पीएच तथा पीओएच दोनों का मान घट जाएगा, आंसर देख ले बेटा। तो आंसर जाएगा ताप में वृद्धि से पीएच तथा पीओएच दोनों घटते हैं, आंसर थर्ड चला जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए आंसर देंगे बेटो थर्ड। आगे चले बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 9 और अब हम बातें करने जा रहे बेटो क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, ठीक है डियर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है पढ़ते हैं बेटो पहले क्वेश्चन नंबर 10 को। इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू HCl सॉल्यूशन ऑफ pH इक्वल टू 3 एंड pH इक्वल टू 5 वर मिक्स्ड, व्हाट इज द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो बच्चों दो HCl के सॉल्यूशन है, काम की बात सुन लो,
HCl के सॉल्यूशन है, मतलब दोनों के दोनों एसिडिक सॉल्यूशन है और दोनों के दोनों सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा, और स्ट्रॉन्ग एसिड के दो अलग अलग पीएच के सॉल्यूशन को मिक्स कर रहा है। ऐसे केस में ध्यान रखें आयतन कैसा ले रहा है, समान, तो दोनों के वॉल्यूम को वी मान लेंगे, दोनों का वॉल्यूम वी वॉल्यूम मान लिया जाए तो टोटल वॉल्यूम जो सॉल्यूशन होगा वो 2V हो जाएगा। अब यहां पर आप बच्चों रिजल्टेंट नॉर्मलिटी फाइंड करनी है, उसके लिए आपको पहले पीएच की हेल्प से N1 और N2 की वैल्यू लिखने पड़ेंगे। ठीक है, देखते हैं यहां पर। तो अगर बात करें बच्चों पीएच फर्स्ट, पहले सॉल्यूशन के लिए पीएच फर्स्ट का वैल्यू कितना है, 3 है, और अगर पीएच फर्स्ट का वैल्यू 3 है तो कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन फर्स्ट, ये बच्चों N1 के इक्वल हो जाएगा और N1 की वैल्यू बच्चों यहां से 10^-3 हो जाएगी। इसी तरह बच्चों सेकंड सॉल्यूशन की जो पीएच है वो कितनी है, 5 है, और अगर सेकंड सॉल्यूशन की पीएच 5 है तो बच्चों यहां से कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन जो होगा ये 10^-5 मिलेगा और ये N2 के इक्वल होगा, तो N2 की वैल्यू बच्चों यहां पर 10^-5 हो जाएगी। अब बच्चों फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए जो वॉल्यूम लिया है V1 वो कितना लिया है, V, और सेकंड सॉल्यूशन के लिए भी जो वॉल्यूम लिया है बच्चों V2, ये भी कितना लिया है, V लिया है। अब बच्चों जब भी आप दो समान यानी कि दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स को मिक्स करते हैं या दो सिमिलर नेचर के एसिड्स को या सिमिलर नेचर के बेस को जब मिक्स करते हैं तो परिणामी नॉर्मलता, रिजल्टेंट नॉर्मलिटी कैलकुलेट करने के लिए बच्चों एक फॉर्मूला यूज करते हैं, N1V1+N2V2=N resultant × V total। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दें और यहां से रिजल्टेंट नॉर्मलिटी फाइंड कर लेंगे। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे N1V1+N2V2=N resultant × V total को क्या लिखेंगे, V1+V2, इस तरह लिख सकते हैं। अब बच्चों N1 की वैल्यू पुट कर दो कितनी है, 10^-3, V1 का वैल्यू कितना है, V के इक्वल है, N2 की वैल्यू कितनी है वहां से 10^-5, V2 कितना है बेटो, V के इक्वल है, रिजल्टेंट नॉर्मलिटी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को शो करेगी, V+V, ये 2V हो जाएगा। बच्चों V कॉमन है दोनों में और यहां कॉमन ले लेंगे बेटा 10^-5 को, बड़ी पावर को कॉमन ले लें तो 10^-5 कॉमन लेंगे तो यहां कितना बचेगा, 100 बचेगा। ठीक है, और V कॉमन है ही, साथ में प्लस, यहां कितना बचेगा, 1। ठीक है, और ये हो जाएगा रिजल्टेंट नॉर्मलिटी इंटू 2V। बच्चों V से V कैंसिल कर दो, फाइनली ये 100+1 101 हो जाएगा। तो इसको इधर लिख देता हूं बच्चों, यहां से रिजल्टेंट नॉर्मलिटी के लिए रिजल्टेंट नॉर्मलिटी इक्वल टू दी, ये हो गया 101 × 10^-5 अपॉन में चला जाएगा बेटा 2, इस तरह से लिखा जाएगा। अब बच्चों इसको डिवाइड कर दो तो रिजल्टेंट नॉर्मलिटी जो कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी इक्वल टू दी कितना हो जाएगा, 50.5 × 10^-5, और इसे लिख सकते हैं बेटो आप 5.0 × 10^-1, एक पावर सब हो जाएगी इधर तो -4 रह जाएगा। अब ये क्या आ रही है बेटो, रिजल्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन आ गया। अब रिजल्टेंट सॉल्यूशन की जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन आपको मिल चुकी है इसका बच्चों माइनस लॉग कर दो, क्योंकि माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन ही बच्चों पीएच के इक्वल होता है। तो मैं यहां पर माइनस लॉग ऑफ रिजल्टेंट H प्लस आयन के लिए करूंगा तो 4 − log 5 हो जाएगा, 4 − log 5 करने पर आपको रिजल्टेंट सॉल्यूशन की पीएच मिल जाएगी। तो इधर लिख देता हूं मैं इसको, पीएच 4 − log 5, और बेटा लॉग 5 की वैल्यू तो जानते ही आप 0.7 होती है, पुट कर दो तो 4 − 0.7 करेंगे तो यहां से 3.3, ये आपको परिणामी या रिजल्टेंट सॉल्यूशन की पीएच का आंसर मिलेगा। तो आपको आंसर मिलना चाहिए बच्चों 3.3, यानी कि आंसर जाएगा 4th। इस तरह से बच्चों अपन इस क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट कर देंगे, आंसर गया है 4th। ठीक है डियर, आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है पढ़ते हैं, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 5 ग्राम ऑफ क्रिस्टल AB। आपको फॉर्मूला मास यानी कि कंपाउंड AB का मॉलिकुलर मास दे रखा है 40, हैविंग रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर बोल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है बेटा जब भी रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर बोल रहा है मतलब NaCl के जैसी स्ट्रक्चर बोल रहा है, और NaCl की जैसी स्ट्रक्चर बच्चों FCC टाइप की स्ट्रक्चर होती है, और FCC स्ट्रक्चर बच्चों FCC में नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, 4 होता है। तो आपको यहां से अभी भी कणों की संख्या, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की संख्या मिल चुकी है, इतनी है 4 है। ठीक है डियर, तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटो सबसे पहले मोल्स बना लें आप, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए फर्स्ट ऑफ ऑल मोल्स फॉर्म कर लें। गिवन मास कितना है 5 ग्राम, अपॉन मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो 40 से,
ठीक है, तो 5/40 और नंबर कैलकुलेट करनी है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, एन से मल्टीप्लाई कर दो यूनिट सेल के नंबर के लिए, यहां से सोल्व करेंगे तो 1/8 आ रहा है, ठीक है, इसको एन ए बाई एट कह सकते हैं, परंतु बच्चों यूनिट सेल कैसी है, एफसीसी है, तो एफसीसी यूनिट सेल के 4 यूनिट सेल में इतने यानी कि 4 जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कितने यूनिट सेल में, एन ए बाई एट में है, तो 1 एटम कितने में होगा उसके लिए इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो आप इसको लिख देंगे एन ए बाई एट डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि ये एफसीसी यूनिट सेल है, तो यहां से आपको नंबर ऑफ टोटल यूनिट सेल मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, एन ए बाई 32 के इक्वल मिलना चाहिए, इस तरह से टोटल यूनिट सेल्स की नंबर आ जाएगी, क्योंकि यूनिट सेल कैसी बेटा एफसीसी टाइप है, और एफसीसी टाइप में आप ध्यान रखें नंबर ऑफ एटम्स जेड की वैल्यू कितनी होती है, 4 के इक्वल होती है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, इसलिए मैंने लास्ट में 4 से इसको डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ एटम्स से आप इसको डिवाइड कर देंगे जिससे आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल्स ऑप्टेन हो जाएगा, ठीक है डियर। तो एन ए बाई 32 आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, यहां देखें एन ए बाई 2 है, यहां एन ए बाई 10 है, यहां 4n है, और यहां नन ऑफ दीज है, इसका मतलब आपको आंसर नन ऑफ दीज देना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जैक्ट आंसर यहां इस ऑप्शन पर मैं लिख सकता था एन ए बाई 32, और अगर एन ए बाई 32 लिखता तो आपको आंसर मिल जाएगा यहां पर, आपको आपका आंसर मिलेगा 4th, तो 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है डियर। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो बेटो ये था क्वेश्चन नंबर 11, और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, देखेंगे क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा द्रव युग्म राउल्ट के नियम की पालना करता है, बच्चों राउल्ट के नियम की पालना करता है इसका मतलब क्या है, बेटो ध्यान रखें राउल्ट के नियम की पालना केवल वही सॉल्यूशन करते हैं जो आदर्श विलयन होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, तो वे सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम की पालना करते हैं, ताप दाब तथा सांद्रता के सभी मानों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हो, क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, बट जो सॉल्यूशन राउल्ट के नियम की पालना नहीं करेगा वो बच्चों अनादर्श विलयन कहलाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, तो अभी आपसे बच्चों आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो आइडियल सॉल्यूशन कौन सा है आपको ये ऑप्शंस में चेक करना है, देखो बेटा तो बच्चों अगर बात करें वाटर प्लस मिथेनॉल की, तो यहां पर बेटो ये जो वाटर प्लस मिथेनॉल है ये तो कैसा होगा, पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन होगा, ये धनात्मक विचलन दर्शाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल प्लस इथेनॉल ये भी बच्चों पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन होगा, ठीक है, और वाटर प्लस एचसीएल की बात करें तो बच्चों ये नेगेटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन बनेगा, और बेंजीन प्लस टोलुइन दोनों ही न्यूट्रल नेचर के हैं, तो बच्चों ये यहां पर आइडियल सॉल्यूशन होगा, यही ऐसा सॉल्यूशन है बच्चों जो राउल्ट लॉ फॉलो करेगा, राउल्ट के नियम की पालना करेगा, तो बेंजीन तथा टोलुइन से मिलकर बनने वाला विलयन बच्चों यहां पर आदर्श विलयन कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है डियर, तो आंसर देंगे 4th, ये था क्वेश्चन नंबर 12, आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, देखते हैं बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, ठीक है, प्योर ए और प्योर बी आर 100 and 150 mm ऑफ एच जी, यानी कि बच्चों आपको पी नॉट ए और पी नॉट बी के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, अब पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इन प्योर स्टेट, एंड पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी इन प्योर स्टेट, ठीक है, आपको पी नॉट ए और पी नॉट बी दे रखे 100 and 150 एट रूम टेम्परेचर, क्या पूछा हुआ है, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 moles ऑफ लिक्विड ए एंड 3 moles ऑफ लिक्विड बी एट सेम टेम्परेचर, काम की बात सुन लो, 2 moles ऑफ लिक्विड ए है और 3 moles ऑफ लिक्विड बी है, तो बच्चों यहां से आप दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, आपको एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू यहां से ऑप्टेन हो जाएगी, तो एक्स ए का वैल्यू तो मिल जाएगा 2/5 और एक्स बी का वैल्यू मिल जाएगा बच्चों पर 3/5, तो अब आप यहां पर राउल्ट्स लॉ लगा दें फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे हैं, लिक्विड हैं, इसलिए आप राउल्ट्स लॉ लगाएंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, क्या होगा पी सॉल्यूशन के लिए, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, तो पी सॉल्यूशन इक्वल टू दी पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये बच्चों यहां पर आपको राउल्ट्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, अब बच्चों पी नॉट ए कितना दे रखा है 100, वैल्यू पुट कर दें, पी नॉट ए 100 है, एक्स ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/5 प्लस पी नॉट बी कितना बेटा 150 इंटू एक्स बी कितना हो जाएगा 3 moles अपॉन टोटल मोल्स 5, यहां से कैलकुलेशन किया जाए तो 20 और ये 30 टाइम कैंसिल हो रहा है बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो 40 हो गया,
और ये बच्चों कितना हो गया 90 हो गया। यहां से बच्चों आपको टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 130 mm ऑफ Hg ऑब्टेन होगा। ये आपके पास बच्चों आंसर आ जाएगा 130 mm Hg, ये आपको इस क्वेश्चन के लिए टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। तो आपका आंसर जाएगा बच्चों पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है डियर, आगे चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बेटो ये राउल्ट के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन था, राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल था। आगे देखते हैं नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है, पैराग्राफ का क्वेश्चन है। तो पैराग्राफ को आप देखें किस तरह से आपको स्ट्रक्चर दे रखे, सॉलिड स्टेट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो सॉलिड स्टेट में आपको एक डायग्राम बना के दिया हुआ है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको यहां पर ये सॉल्यूशन देना है। सबसे बड़ी बात आप चेक कर सकते हैं बच्चों कि क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया है ये बच्चों 2D क्लोज पैकिंग है, यानी कि प्लेन में हो रहा है। ये जो पैकिंग है ये प्लेन में है, समतल में है बेटा। तो प्लेनर स्ट्रक्चर है आपके सामने सबसे बड़ी बात, और अगर प्लेनर होगी तो आपको जो स्फीयर्स बना के दिए हुए हैं ये स्फीयर्स बच्चों सर्कल होंगे। ये स्फीयर आप गोले नहीं कह सकते इनको, आप ये सर्कल है, वृत्त है, और सर्कल है इसीलिए 2D में आप देख सकते हैं इनको। ठीक है डियर, अगर ये 3D होता तो आप इनको स्फीयर बोल सकते थे, परंतु अब आपको इनको सर्कल बोलना है। इसका मतलब इन सर्कल का जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर की गोल होगा। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं यहां पर सर्कल के एरिया की, इसलिए ये कैसा होगा, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। अब देखना चाहिए क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों क्वेश्चन ऑफ 14 में क्या कह रहा है, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए गिवन यूनिट सेल विल बी। तो इफेक्टिव नंबर मतलब टोटल इफेक्टिव नंबर कितना है पार्टिकल्स का जो कि इस डायग्राम के अंदर कवर हो रहा है, इस डायग्राम के अंदर कितना पार्टिकल कवर कर पा रहा है। तो देखिए बेटा इस वाले सर्कल का ही 1/4 है, इस वाले सर्कल का 1/4 है, इस वाले सर्कल का कंप्लीट का 1/4 है जो कि इस स्क्वायर के अंदर है, इस वाले सर्कल का 1/4 है, और ये भी कितना है बेटो 1/4 है, और ये पूरा कितना है कंप्लीट 1 है। तो बच्चों 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 मतलब 1 तो हो जाएगा ये वाला और 1 हो जाएगा ये वाला, इसका मतलब टोटल पार्टिकल्स हो जाएंगे 1+1। यहां से इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा 1+1 2 के इक्वल मिलेगा। तो यहां से आपको इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो देखने को मिलेगा बच्चों 2 देखने को मिलेगा, इसका मतलब आपका आंसर जाएगा 2। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, तो आप आंसर सेलेक्ट करेंगे सेकंड, 2 पार्टिकल्स आर इफेक्टिव पार्टिकल्स इन दिस क्वेश्चन। ठीक है डियर, तो आगे चलते हैं बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं जो कि इसी पैसेज से रिलेटेड है। क्या पूछ रहा है, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ गिवन पैटर्न इज। बच्चों जो पैटर्न दे रखा है उसके लिए आपको पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है, संकुलन क्षमता निकालनी है। तो ध्यान रखें पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पैकिंग फ्रैक्शन के फॉर्मूले से यहां पर पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट किया जाए। तो बेटो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू जेड इंटू एरिया सर्कल का कितना होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन आपको जो स्ट्रक्चर दे रखी है वो कैसे स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब बच्चों आपको जो डायग्राम दे रखा है तो बेटो आप पहले डायग्राम को चेक कर लें, डायग्राम देखें, इस डायग्राम में बेटो इस डायग्राम में आप ये जो स्ट्रक्चर दे रखी है इस स्ट्रक्चर से बात करेंगे अपन। हाँ बेटा देखें ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में ये क्या यहां पर विकर्ण है, यहां पर ये कौन है स्मॉल ए भुजा है, ये भी स्मॉल ए भुजा है। तो ये जो आप कर्ण देख रहे हैं ये रूट टू ए के बराबर होगा, और रूट टू ए बच्चों आर टू आर और ये आर यानी कि 4R के बराबर है। यहां से 4R का मैग्नीट्यूड बच्चों रूट टू ए के बराबर मिल रहा है, इसलिए आर का वैल्यू मिल जाएगा रूट टू ए बाई 4। यहां से इस सर्कल की रेडियस आ जाएगी आर इक्वल टू रूट टू ए बाई 4, और ये आर का वैल्यू बच्चों यहां पर पुट कर लेंगे। ठीक है डियर, तो अब यहीं पर मैं इसको सोल्व कर देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके लिए। रेडियस यहां से निकाल चुके हैं आप रूट टू ए बाई 4। आगे चलते हैं बेटा यहां पर, तो अगर आगे बात करें तो यहां पर आपने पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा लिया है और रेडियस भी निकाल ली है। अब बच्चों इस आर की वैल्यू आप यहां पुट कर दो, तो पैकिंग फ्रैक्शन जो कि आपको यहां पर कैलकुलेट करना है बेटा, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू दी जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना था 2 इंटू पाई
आर की वैल्यू कितनी पुट करनी है, यहां देख सकते हैं आप, रूट टू ए बाई फोर और इसका क्या है स्क्वायर अपॉन, ये आप देख सकते हैं ए स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लें आप, तो ये हो जाएगा टू इंटू पाई, ये कितना है रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो टू हो जाएगा, ये बच्चों ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अपॉन फोर का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा और नीचे क्या है ए स्क्वायर। अब बच्चों देखें ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, टू इंटू टू फोर है तो ये फोर टाइम्स कैंसिल होगा और ऊपर क्या बच रहा है पाई, तो यहां से बच्चों आपको पैकिंग फ्रैक्शन का मैग्नीट्यूड पाई बाई फोर के इक्वल मिलेगा, यहां से आपको पैकिंग फ्रैक्शन का मैग्नीट्यूड पाई बाई फोर के इक्वल ऑब्टेन होगा, तो आपका आंसर पैकिंग फ्रैक्शन के लिए जाएगा बेटा पाई बाई फोर, ठीक है डियर। तो देख लें कौन सा ऑप्शन यहां पर आंसर है, आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। तो बेटो यहां पर आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर होगा, क्वेश्चन के लिए आपको आंसर देना पड़ेगा फर्स्ट, तो क्वेश्चन 15 में आपको आंसर सेलेक्ट करना बच्चों, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है डियर। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट पैराग्राफ आपके सामने बेटो, पैराग्राफ नंबर टू की बात करने जा रहे हैं, तो पैराग्राफ नंबर टू जो है बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड ये पैराग्राफ है, और क्या है पढ़ते हैं पहले इसको, एट 573 केल्विन PCl5 डिसोसिएट्स एज PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, केपी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 11.5, ठीक है। बच्चों हमसे क्या पूछ रहा है, देखो पहले कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम दे रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम दे रखा है 0.01 मोल पर लीटर, आपसे क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी पूछ रहा है, तो बच्चों आपको केपी दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, रिलेशन अप्लाई कर देंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्यूशन लिख रहे हैं, तो आप अप्लाई करें केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एनजी, केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एनजी, और बच्चों केपी दे रखा है 11.5, केसी कैलकुलेट करना है, आर का वैल्यू पुट करेंगे 0.0821, टेम्परेचर कितना बेटा 573 केल्विन, और डेल्टा एनजी इस रिएक्शन से देख लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट कितना है, गैसेस प्रोडक्ट्स कितने हैं 1+1 2, और रिएक्टेंट कितना है 1, तो 2-1 कर दें, यहां से डेल्टा एनजी हो जाएगा बेटो 2-1 यानी कि 1 के इक्वल हो जाएगा, तो डेल्टा एनजी की प्लेस पर 1 लिख देंगे, यहां से बच्चों केसी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा 11.5 डिवाइडेड बाय 0.0821 इनटू कर देंगे 573, ठीक है डियर। ये आपके पास बच्चों केसी का फाइनल आंसर होगा, और ये सॉल्व करने पर बच्चों 0.244 के इक्वल ऑब्टेन होगा, तो आपको बच्चों यहां से आंसर मिलेगा फोर्थ, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर जाएगा बच्चों फोर्थ, ठीक है डियर। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाँ बेटा, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम पूछा हुआ है, केसी निकाल चुके हो तो केसी लिख लें पहले रिएक्शन से, तो रिएक्शन से केसी लिखेंगे बेटा, आप यहां पर रिएक्शन से केसी नोट कर लें, तो केसी हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन में हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, केसी निकाल चुके हैं 0.244, PCl3 कितना है 0.01 जिसे लिख देंगे 10^-2, Cl2 को भी लिख देंगे 10^-2 अपॉन PCl5 की कंसंट्रेशन आपको कैलकुलेट करनी है बेटो, ठीक है। अब बच्चों इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो यहां से आपको कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 ऑब्टेन हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 बिकम्स इक्वल टू दी, ये हो जाएगा 10^-4 इधर 1 अपॉन हो जाएगा 0.244, यहां से आप इसको सॉल्व कर दें तो आपको बच्चों यहां से PCl5 की इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन ऑब्टेन हो जाएगी। देखते बच्चों कौन सा ऑप्शन आपको यहां से आंसर देखने को मिलेगा, तो बेटो क्वेश्चन के लिए आपको फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर दिखाई देगा, 4.09 × 10^-4 के इक्वल ऑब्टेन हो रहा है, ये देख सकते हैं आप 4 × 10^-4 के इक्वल है, तो आप इसका आंसर बेटो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर देंगे आप, तो आंसर इज फर्स्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बच्चों फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है डियर। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 3, पढ़ते हैं क्या है, कंसिडर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद सॉलिड सिल्वर क्लोराइड,
the solubility equilibrium represented as AgCl solid dissociate हो रहा है बेटा Ag plus and Cl minus aqueous solution में, ठीक है। यहाँ पर Ksp का जो value है बच्चों आप देख सकते हैं Ag plus into Cl minus की concentration के equal है, ठीक है dear। अब बच्चों यहाँ बात की जाए concentration के लिए, तो further आपसे कहा है here Ksp is called solubility product, the possible relationship between Ki and Ksp are, Ksp और Ki में relation दे रखा है, first में कह रहा है Ksp की value ज्यादा है Ki से तो unsaturated solution होगा, Ksp Ki के equal है तो saturated solution होगा, और Ki ज्यादा है बच्चों Ksp से तो super saturated solution का formation होगा। इन conditions को ध्यान में रखते हुए हमें बच्चों इस questions के answers को देना है, ठीक है डियर। तो बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन का पहला, इस पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन क्या है, उसका सॉल्यूशन कैसे अपन करेंगे उसे देखते हैं। तो बेटो तो इसका बच्चों पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विल प्रेसिपिटेट फॉर्म इफ 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 एम Ag(NO3) एंड 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2×10⁻⁵ एम NaCl आर मिक्स्ड। गिवन क्या है, Ksp ऑफ AgCl का मैग्नीट्यूड दे रखा है बेटा यहां पर 10⁻¹ एम स्क्वायर यानी मोल पर लीटर का स्क्वायर, ठीक है डियर। तो बच्चों आपसे पूछा है कि क्या क्वेश्चन में AgCl का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा या AgCl का प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा, ऐसा हमको यहां पर बच्चों आइडेंटिफाई करना है। तो ध्यान रखें कंडीशन क्या थी कि आयनिक प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा है, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा है तो ऐसे केस में बच्चों सॉल्यूशन जो होगा वो सुपर सैचुरेट होगा, और अगर सॉल्यूशन सुपर सैचुरेट है तो बच्चों ऐसे केस में AgCl का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, ठीक है डियर। तो पहले बच्चों यहां पर अपन Ag प्लस और Cl माइनस की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके बाद आयनिक प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करेंगे, और आयनिक प्रोडक्ट जैसे मिल जाएगा आप उसको Ksp से कंपेरिजन कर लोगे, ठीक है डियर। तो चेक करते हैं बच्चों Ag प्लस और Cl माइनस की कंसंट्रेशन किस तरह से और कितनी ऑब्टेन होगी, ठीक है देखते हैं। हाँ बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो 0.01 एम है, तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन यहां से ऑब्टेन होगा, मोलरिटी कितनी है 0.01, वॉल्यूम कितना है 50 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 50 ml, अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 50+50 यानी कि 100 ml हो जाएगा। यहां से बच्चों सॉल्व किया जाए ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा तो 0.01/2 यानी कि 0.005 यानी कि 5×10⁻³, ये आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर कैटायन आ जाएगा। अब बच्चों यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड अगर कैलकुलेट करनी है तो कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड होगा बेटा कंसंट्रेशन ऑफ NaCl के लिए मोलरिटी कितना दे रखा है 2×10⁻⁵ इंटू वॉल्यूम कितना है 50 ml, और टोटल वॉल्यूम यहां पर भी कितना होगा बेटा 100 ml होगा। यहां इसको कैंसिल कर दें और 2 से 2 कैंसिल होगा, फाइनली बच्चों ये 10⁻⁵ ऑप्टेन होगा, ठीक है। अब बच्चों आपके पास Ag प्लस की कंसंट्रेशन भी है और Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन भी आपके पास है, क्या करें आयनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लें। तो बच्चों आयनिक प्रोडक्ट Ki का वैल्यू होगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन, यहां से कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन कितना है 5×10⁻³ इंटू Cl माइनस की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा 10⁻⁵ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5×10⁻⁸, ये बच्चों आपके पास आयनिक प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ऑब्टेन हुआ है। अब आयनिक प्रोडक्ट तो आ चुका है 5×10⁻⁸, और बच्चों क्वेश्चन में Ksp यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, कितना दे रखा है 10⁻⁹, तो आप देख सकते हैं Ki का मैग्नीट्यूड Ki की वैल्यू ज्यादा है बच्चों Ksp से, Ki तो कितना आ रहा है 5×10⁻⁸, और बच्चों Ksp कितना है 10⁻⁹ यानी कि नेगेटिव पावर ज्यादा है,
तो के एस बी कम है और के आई ज्यादा है, ऐसे केस में बच्चों सॉल्यूशन कैसा होगा? ऐसे केस में बच्चों सॉल्यूशन सुपर सैचुरेट होगा, और अगर बच्चों सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है तो ऐसे केस में उस AgCl का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन में AgCl का PPT फॉर्म हो जाएगा। ठीक है डियर, इसका मतलब आपका आंसर जाएगा बच्चों फर्स्ट, आप कहेंगे हाँ AgCl का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। इस तरह से बच्चों अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है डियर, आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, पढ़ते हैं बेटा इसको। डिटरमाइन द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ MgF2 फ्रॉम इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP दे रखा है 4×10⁻¹। अब बच्चों यहां पर MgF2 जो दे रखा है, ये MgF2 कैसा है, Ab2 टाइप का सॉल्ट है, और Ab2 टाइप के सॉल्ट के लिए KSP का फॉर्मूला जो है बच्चों KSP=4S³ होता है। तो KSP=4S³ से S की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आपको बच्चों MgF2 की सॉल्युबिलिटी ऑब्टेन हो जाएगी। देखते हैं बेटा, तो बच्चों हम बातें करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी के लिए। तो बेटा MgF2, ये MgF2 कैसा है, Ab2 टाइप का सॉल्ट है, इसलिए KSP का फॉर्मूला लगाएंगे 4S³। ठीक है, KSP कितना दे रखा है, 4×10⁻¹। ठीक है, इक्वल टू दी 4S³। यहां से बच्चों S की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा 4×10⁻¹ अपॉन 4³। तो बेटा 4 से 4 कैंसिल होगा और 10⁻¹ का √³ करेंगे तो 10⁻³ आ जाएगा, यानी कि आपको सॉल्युबिलिटी ऑब्टेन होगी बच्चों 10⁻³ मोल पर लीटर। यहां से सॉल्युबिलिटी ऑब्टेन हो रही है 10⁻³ मोल पर लीटर, इट मींस आंसर विल बी फर्स्ट। यहां से बच्चों क्वेश्चन का आंसर देंगे फर्स्ट। ये था बच्चों इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है डियर, तो बेटो नेक्स्ट सेक्शन बी की बात करेंगे अपन। अब हम आ चुके हैं बच्चों सेक्शन बी, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गिवन है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए बेटो, ये सारे के सारे क्वेश्चन कैसे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों सिंगल चॉइस क्वेश्चंस थे, जिसमें केवल आपका वन आंसर था। अब हम बात करेंगे बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जिसमें मोर देन वन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है डियर, हाँ तो बच्चों देखते हैं सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। इन AB यूनिट सेल रॉक सॉल्ट टाइप बोल रहा है बेटा, यानी NaCl टाइप स्ट्रक्चर होगा, रॉक सॉल्ट टाइप है। तो एज्यूमिंग A+ फॉर्मिंग FCC, ठीक है, A+ आयन जो है FCC स्ट्रक्चर बना रहा है, NaCl में क्लोराइड आयन FCC स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द नियरेस्ट नेबर ऑफ A+ इज 6B- आयंस, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है बेटा कि A+ आयन को 6B- आयन सराउंडिंग से कवर करेगा, तो A+ आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगी। ठीक है, और बात करें सेकेंड ऑप्शन की, तो द नियरेस्ट नेबर ऑफ B- इज 6A+ आयन, ये भी बच्चों बिल्कुल सही है, 6A+ आयन B- को कवर करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो क्या रहेगा, 6:6 रहेगा, क्योंकि रॉक सॉल्ट टाइप है, AB टाइप है, तो ऑक्टेडल होगा, और ऑक्टेडल अगर होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगी। ठीक है, थर्ड देखते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के लिए, Ra+ Rb जो है, यानी कि कैटायन और एनायन की रेडियस का जो सम है वो A/2 के इक्वल है। बच्चों ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटो एक्चुअल में यहां पर जो रिलेशन होता है FCC में, ये होता है R+ R- इज इक्वल टू दी A/2, या कह सकते हैं 2×R+ R- जो है, ये स्मॉल A के इक्वल होता है। यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
आर प्लस प्लस आर माइनस इक्वल टू ए बाई टू, तो ये भी करेक्ट है बेटा, तो थर्ड भी सही है। फोर्थ कह रहा था सेकंड नेवर ऑफ ए प्लस इज 12 ए प्लस आयन, तो एफसीसी स्ट्रक्चर है, रॉक सॉल्ट टाइप है, तो इसमें बच्चों ए प्लस को सराउंडिंग से 12 ए प्लस आयन, सेकंड नेवरेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, तो सेकंड नेवरेस्ट जो नंबर है वो कितने की 12 आएगी, तो ये भी बच्चों यहां पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो 1, 2, 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट, आंसर्स आर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, आंसर्स आर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ऑल आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं, डिक्रीज इन द प्रेशर फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया, तो इक्विलिब्रियम क्या दे रखा है, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो H2O सॉलिड से बच्चों H2O लिक्विड का फॉर्मेशन हुआ है, आइस टू वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आइस की जो स्ट्रक्चर है बच्चों कैसी होगी, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होगी, तो आइस की स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होती बेटा, और उस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो आइस का स्ट्रक्चर है ये कैसा होगा, ओपन केज लाइक मॉलिक्यूल होगा, और अगर बच्चों ये ओपन केज लाइक मॉलिक्यूल है तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर, तो लिक्विड में वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और अगर बच्चों फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर बच्चों वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब आपको प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा, वॉल्यूम डिक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस, तो बच्चों प्रेशर को यहां पर क्वेश्चन में डिक्रीज करने की बात कर रहा है, तो जब आप प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बच्चों बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, और अगर रिएक्शन बच्चों बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इसका मतलब H2O सॉलिड यानी कि आइस का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, तो आइस का फॉर्मेशन ज्यादा होगा किसके कंपैरेटिवली, वाटर के कंपैरेटिवली, और दूसरी बात बच्चों लिक्विड से सॉलिड ज्यादा बन रहा है, और लिक्विड से सॉलिड ज्यादा बनेगा तो ऐसे केस में आपको H2O सॉलिड के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए मोर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर प्रोवाइड करने पड़ेगा, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, तो पहली बात तो H2O सॉलिड का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, दूसरी बात बच्चों मेल्टिंग पॉइंट यहां पर इंक्रीज होता हो दिखाई देगा, तो ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हैं कौन कौन सा है, वही आपको बच्चों आंसर दिखाई देगा। तो कह रहा है H2O सॉलिड ज्यादा बनेगा, पहली बात तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, थर्ड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, बिल्कुल सही बात है, फोर्थ कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, गलत बात है, तो बच्चों यहां पर आंसर्स होंगे फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है डियर, ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, आगे चलते हैं बेटो और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है बेटो, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, द डिकम्पोजिशन ऑफ NH4HS सॉलिड टेक प्लेस एज फॉलो, NH4HS solid gives NH3 gas plus H2S gas. If we take 3.06 gram of solid NH4HS into a 2 liter evacuated vessel at 300 Kelvin, it undergoes 30% यानी कि degree of dissociation दे रखा है 30%। ठीक है, further क्या कह रहा है, 2 liter का container है पता ही है, amount दे रखी है, ठीक है, और आपको बच्चों यहां पर calculate क्या करना है, options में पूछा हुआ है KC केपी और आपसे कह रहा है अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड की अमाउंट मिलाएंगे तो इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और फोर्थ पॉइंट में केपी का मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। तो बच्चों अगर आपको यहां पर केसी कैलकुलेट करना है तो आपको बच्चों कंसंट्रेशन निकालने पड़ेंगे, NH4HS तो कैसा है, सॉलिड है, तो सॉलिड को तो केसी और केपी के फॉर्मूले बच्चों अपन यहां पर कंसिडर नहीं करेंगे, तो NH4HS को अपन कंसिडर नहीं करेंगे, तो केसी जो लिखा जाएगा वो एक्टिव मास ऑफ अमोनिया इनटू एक्टिव मास ऑफ H2S के इक्वल मिलने वाला है। ठीक है डियर, तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो बेटो मास दे रखा है 3.06, टेम्परेचर 300 केल्विन है, वॉल्यूम 2 लीटर है। ठीक है, देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे आप, तो बच्चों रिएक्शन क्या है, NH4HS सॉलिड रिवर्सिबली फॉर्म अमोनिया गैस प्लस H2S गैस, इस तरह का रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब बच्चों इनिशियली जो मास दे रखा है उससे हम मोल्स बना लेंगे, तो 3.06 मास है, इसका मॉलिकुलर वेट आप ऐड करके देख लेंगे, 14 + 4 = 18 + 1 = 19 और 32 ऐड कर देंगे, तो यहां से बच्चों 19 और 32 ये आपको 51 ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट आ गया 51,
ये इसके मोल्स बन गए। और बच्चों मोल्स में से डिसोसिएट कितना हो रहा है, 30%, तो इस अमाउंट का 30% डिसोसिएट कर दो तो 3.06/51 × 30/100 30% डिसोसिएट हो जाएगा। इधर बच्चों x के इक्वल वैल्यू बनेगी, इधर x की इक्वल वैल्यू बनेगी, तो यहां से x की वैल्यू आप देख सकते हैं, ये x की वैल्यू है, अमोनिया का मोल्स ऑब्टेन होगा 3.06/51 × 30/100, ये x की वैल्यू है, और अपॉन वॉल्यूम 2 लीटर से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा अमोनिया कंसंट्रेशन। और सिमिलर कंसंट्रेशन होगा बच्चों H2S के लिए 3.06/51 × 30% upon volume 2 liter होगा। इस तरह से बच्चों यहां से अपन X की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि अमोनिया और H2S दोनों के बच्चों आपको कंसंट्रेशन मिल चुके हैं। अब बच्चों गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग, गिवन रिएक्शन के अकॉर्डिंग KC लिखा जाए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC का फॉर्मूला बनाया जाए। तो बच्चों आप जब यहां पर KC का फॉर्मूला बनाएंगे तो KC इक्वल टू दी एक्टिव मास ऑफ अमोनिया इंटू एक्टिव मास ऑफ H2S, और इन दोनों के एक्टिव मास यानी कंसंट्रेशन आपके पास है, ये तो अमोनिया की कंसंट्रेशन है बेटा इक्विलिब्रियम पर, और ये बच्चों H2S की कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पर। इन दोनों की वैल्यू आप यहां पुट कर दें, तो इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहां से बच्चों आपको KC का मैग्नीट्यूड पता लग जाएगा। और जैसे बच्चों KC मिलेगा तो KC और KP में रिलेशन लगा देंगे। आप इस रिएक्शन से डेल्टा एनजी चेक कर लें, ये तो सॉलिड है, तो 1+1 2, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट कितना है 2 है, और रिएक्टेंट तो सॉलिड है इसे कंसीडर नहीं करेंगे, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू बच्चों 2 आ जाएगी। और यहां से अगर आपको केपी निकालना है तो आप लिखेंगे बच्चों केपी इक्वल टू केसी इंटू आरटी की पावर बच्चों डेल्टा एनजी, ठीक है। अब बच्चों केपी कैलकुलेट करना है, केसी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये पुट कर देंगे, आर का वैल्यू क्या लेंगे 0.0821, टेम्परेचर क्वेश्चन में दे रखा है 300, और डेल्टा एनजी की वैल्यू बच्चों 2 पुट कर देंगे, यहां से बच्चों आपको केपी मिल जाएगा, ठीक है, ये केपी का आंसर हो गया। और थर्ड ऑप्शन कह रहा है अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड को मिलाने से इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल सही कह रहा है, ध्यान रखें सॉलिड को मिलाओ चाहे हटाओ, सॉलिड रिएक्टेंट अथवा प्रोडक्ट को आप उस इक्विलिब्रियम पर मिला दो या रिमूव कर दो, ऐसे केस में उस इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है डियर, ऐसे केस में वो इक्विलिब्रियम जो है अफेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्यूशन, ठीक है डियर। तो बच्चों यहां चेक किया जाए तो बेटा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कह रहा है फॉर दिस डिकम्पोजिशन द वैल्यू ऑफ केसी, बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेट करने पर आपको केसी यही मिलेगा 8.1 × 10⁻¹¹. और सेकंड में कह रहा है बच्चों द वैल्यू ऑफ केपी, वैल्यू ऑफ केपी 0.049 atmosphere square, ये भी बिल्कुल ठीक है, यही ऑब्टेन होगा। और थर्ड में कह रहा है एडिंग मोर अमाउंट ऑफ NH4HS ऑन इक्विलिब्रियम हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, ये भी सही है। तो बच्चों फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट, एंड थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, 1, 2, and 3 आर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, फोर्थ इज इनकरेक्ट, केपी वैल्यू ये नहीं आएगा, ये केसी का वैल्यू था बेटो, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन आर 1, 2, and 3, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है डियर। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव, बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव केपी इक्वल टू केसी, यानी कि केपी की वैल्यू केसी के इक्वल आनी चाहिए। तो बच्चों ध्यान रखें ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, केपी और केसी में एक रिलेशन आप बार बार जिसको बोल रहे हैं, बार बार आपके यूज में आ रहा है, केपी इक्वल टू केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी। बच्चों आपको तो उन रिएक्शन से डेल्टा एनजी की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा एनजी का वैल्यू जीरो है, अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा एनजी का मैग्नीट्यूड जीरो है, ऐसे केस में बच्चों उस रिएक्शन के लिए केपी का मैग्नीट्यूड केसी के इक्वल ऑब्टेन होगा ही होगा। तो आपको बस इस क्वेश्चन में यह चेक करना है कि कौन कौन सी रिएक्शन ऐसी हैं जहां पर बच्चों डेल्टा एनजी का मैग्नीट्यूड जीरो ऑब्टेन हो रहा है, चेक करते हैं बेटो। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में देखें, यहां पर ये 2 moles है, यहां पर 2+1 3 moles है, ऐसे केस में डेल्टा एनजी कितना होगा 2-3, यानी कि फर्स्ट रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी का मैग्नीट्यूड, बच्चों यहां पर डेल्टा एनजी का मैग्नीट्यूड 2-3 ऑब्टेन हो रहा है, यानी कि -1 ऑब्टेन होगा।
सेकेंड इक्वेशन में देखिए बेटा, यहां पर डेल्टा एनजी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, प्रोडक्ट कितना है 2, रिएक्टेंट कितना है 3 + 1 = 4, तो यहां से 2 - 4 करेंगे और 2 - 4 करेंगे तो बच्चों डेल्टा एनजी का मैग्नीट्यूड यहां पर -2 ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी डेल्टा एनजी 0 नहीं आ रहा है। थर्ड ऑप्शन में देखेंगे H2 + X2 गिव्स 2HX, तो प्रोडक्ट कितना है 2, रिएक्टेंट भी कितना है 1 + 1 = 2, ऐसे केस में बच्चों 2 - 2 यानी कि डेल्टा एनजी का मैग्नीट्यूड यहां पर कितना आएगा, 0 के इक्वल ऑब्टेन होगा। और बच्चों फोर्थ में भी देख ले, सिमिलर है, 1 + 1 = 2 तो रिएक्टेंट है और 2 ही कौन है, प्रोडक्ट है, यहां पर भी डेल्टा एनजी का मैग्नीट्यूड 2 - 2 यानी कि 0 के इक्वल ऑब्टेन होगा। तो बच्चों बाय द रिलेशन ऑफ केपी एंड केसी आप कह सकते हैं केपी इक्वल टू दी केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एनजी, और बच्चों डेल्टा एनजी का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 अगर रख दिया जाए तो आर टी की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो यहां 1 पुट कर दें, 1 पुट करेंगे तो बच्चों केपी का मैग्नीट्यूड केसी के इक्वल ऑब्टेन हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आंसर्स आर थर्ड एंड फोर्थ आर आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है डियर। आगे चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर फाइव जो कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट ए एक्स बी वाई इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 1.4 × 10⁻⁴ m। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज 1.1 × 10⁻¹⁰। द पॉसिबिलिटीज आर, ठीक है डियर, सॉल्ट दे रखा है ए एक्स बी वाई और सॉल्युबिलिटी एस की वैल्यू दे रखी है 1.4 × 10⁻⁴ और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के एस पी की वैल्यू भी दे रखी है। तो बच्चों क्वेश्चन के लिए अगर डिसोसिएशन की रिएक्शन देखी जाए, ये डिसोसिएट किस तरह करेगा, सबसे पहले आप ये देख लें बच्चों ए एक्स बी वाई, ये जो सॉल्ट है इसको जब आप डिसोसिएट करेंगे तो बच्चों ये y मोल्स ऑफ a प्लस y, सॉरी x मोल्स ऑफ a प्लस y का फॉर्मेशन करेगा प्लस y मोल्स ऑफ b माइनस x का फॉर्मेशन कर लेगा। इस तरह से बच्चों ये आयोनाइज होगा, ठीक है डियर, ये इसके आयोनाइजेशन का पैटर्न होगा। अब बच्चों यहां पर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो आपको सॉल्युबिलिटी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 1.4 × 10⁻⁴, तो इनिशियली सॉल्युबिलिटी कितनी है 1.4 × 10⁻⁴ है, ये इनिशियली 0 था, ये डिसोसिएट होगा तो ये फॉर्म होगा बच्चों 1.4 × 10⁻⁴ और कोएफिशिएंट इसका कितना है x, तो x टाइम फॉर्म होगा इसका, ठीक है, x टाइम ये फॉर्म हो जाएगा और पावर भी कितनी हो जाएगी x हो जाएगी। यहां पर इसकी बात करें बेटो तो ये y इंटू 1.4 × 10⁻⁴ और पावर इसकी कितनी हो जाएगी बेटो y हो जाएगी, इस तरह से ये फॉर्म होगा, ठीक है डियर। अब बच्चों आपको KSP क्वेश्चन में दे रखा है तो आप यहां से अगर इसका KSP लिखेंगे तो KSP का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। तो बच्चों अगर इसका KSP लिखा जाए तो आप कहेंगे KSP इक्वल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ a प्लस y की पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b माइनस x की पावर y, इस तरह से इसको लिख पाएंगे। और KSP की वैल्यू पुट कर दे बच्चों, आपको दे रखी क्वेश्चन में 1.1 × 10⁻¹⁰, ठीक है, और a प्लस की कंसंट्रेशन आपके पास है ही, ये आप पुट कर देंगे x इंटू 1.4 × 10⁻⁴ और इसका पावर ओवरऑल कितना है x की इक्वल है, इधर भी इसकी कंसंट्रेशन पुट करेंगे तो y इंटू 1.4 × 10⁻⁴, ठीक है, और ओवरऑल की पावर कितनी है y। यहां से आपको बच्चों सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को और यहां से सॉल्व करके बच्चों ऑप्शन वाइज आप एक बार तो फर्स्ट ऑप्शन को पुट करके देख लें, एक बार सेकेंड ऑप्शन को पुट करके देख लें, अगर LHS की वैल्यू RHS की इक्वल आ जाती है, अगर आपको दोनों वैल्यूज इक्वल मिल जाती हैं तो ऐसे केस में आप बच्चों कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 कोएफिशिएंट होंगे, या फिर बच्चों कोएफिशिएंट दोनों का रेसिप्रोकल हो सकता है, x इक्वल टू 2 भी हो सकता है और y इक्वल टू 1 हो सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, तो आंसर्स आर फर्स्ट एंड सेकंड, 1 और 2 आर कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y म्यूचुअली, ठीक है डियर। तो आप x और y की वैल्यू पुट करके
दोनों ऑप्शंस को चेक कर लेंगे, आपको LHS इक्वल टू RHS ऑप्ट इन होता है तो आपको फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्ट इन होंगे। ठीक है यार, आगे चलते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है बेटा, क्वेश्चन नंबर सिक्स बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड बेटो। बफर सॉल्यूशन कौन होते हैं इस बात का ध्यान रखें, बफर सॉल्यूशन बच्चों ऐसे सॉल्यूशन है जो कि अपनी पीएच में चेंज का अपोज करते हैं। कब अपोज करते हैं? जब उसमें वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस मिला दिया जाए, या फिर उस बफर सॉल्यूशन को एटमॉस्फेयर में ओपन छोड़ दिया जाए, या फिर बच्चों उस बफर सॉल्यूशन में डाइल्यूशन कर दिया जाए यानी कि पानी मिला दिया जाए, वाटर ऐड कर दिया जाए, ऐसे केस में वो बफर सॉल्यूशन क्या करेगा? अपनी पीएच में चेंज का बच्चों अपोज करेगा। ठीक है, तो चेक करना है कौन कौन सा कंपोजिशन ऐसा है जहां पर बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। हमको यहां पर बच्चों रिएक्शन नोट करके चेक करना है, अमाउंट जो दे रखी है उससे लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से आपको चेक करना है कि फाइनल सॉल्यूशन में या रिजल्टेंट सॉल्यूशन में कौन कौन बचता है। अगर वीक एसिड और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट बचता है तो एसिडिक बफर बनेगा, और अगर वीक बेस और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ सॉल्ट बचता है तो आपको बेसिक बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन दिखाई देगा। ठीक है यार, चेक करते हैं बच्चों ऑप्शंस को। तो फर्स्ट ऑप्शन में रिएक्शन बना के देखेंगे बच्चों, H2CO3 है कार्बोनिक एसिड, और इस कार्बोनिक एसिड को देख सकते हैं H2CO3 की रिएक्शन NaOH के साथ करेंगे तो यहां पर फॉर्मेशन होगा बेटा Na2CO3, और साथ में वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर बनेगा, 2 मोल्स ऑफ NaOH लेना पड़ेगा। ठीक है डियर, अब बच्चों आपको H2CO3 का तो दे रखा है 1.5 मोल और NaOH का दे रखा है 1 मोल, ऐसे केस में बच्चों ये डिसोसिएट होगा 1.5 - x, ये डिसोसिएट होगा बेटा 1 - 2x, तो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा NaOH, क्योंकि यहां से बच्चों x की वैल्यू कितनी मिल रही है 1/2 यानी कि 0.5 ऑब्टेन होगी। ठीक है, सो दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट, NaOH फिनिश हो जाएगा, बचेगा कौन सॉल्यूशन में? H2CO3 बचेगा, और साथ में ये सॉल्ट जो है वो x के इक्वल बनेगा। तो बच्चों एक तो वीक एसिड बच रहा है और एक वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ बना हुआ सॉल्ट बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में ये एसिडिक बफर का फॉर्मेशन कर लेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन बफर सॉल्यूशन बनता है। ठीक है डियर, तो फर्स्ट ऑप्शन को कहेंगे ये बफर की तरह बिहेव करेगा। सेकंड ऑप्शन को चेक करते बेटो, यहां पर भी वही है कॉन्सेप्ट, देखें H2CO3 का NaOH के साथ रिएक्शन है बट मोलर रेशियो चेंज हो गया है, देखते हैं रिएक्शन वापस। तो बच्चों H2CO3 NaOH के साथ रिएक्शन वही रहेगा, Na2CO3 बनेगा, साथ में 2 मोल्स ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होगा। बैलेंस कर लें तो 2 मोल्स ऑफ NaOH होगा, यहां देखें इसका मोल कितना है बेटो 1.5, इसका मोल कितना है बेटो 2 मोल, इनिशियली ये 0 होगा, ये भी 0 होगा। बच्चों इसको इक्विलिब्रियम पर ब्रेक किया जाए तो 1.5 - x होगा, ये बच्चों 2 - 2x होगा, ये x इक्वल बनेगा। अब बच्चों यहां से 2 - 2x से x की वैल्यू यहां पर भी कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो यहां पर भी ये कौन होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा, यहां पर भी NaOH लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ऐसे केस में ये बचेगा आपको यहां पर 0.5, x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, इसका मतलब वीक एसिड बचता है और ये सॉल्ट कितना बनेगा? x के इक्वल बनेगा यानी कि 1 के इक्वल बनेगा। ऐसे केस में बच्चों वीक एसिड है रिजल्टेंट सॉल्यूशन में और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ बना हुआ सॉल्ट भी प्रेजेंट है, ऐसे केस में ये भी बच्चों एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लाइक बिहेव करता है, इसका मतलब सेकंड भी आंसर सेलेक्ट किया जाएगा, तो 1 भी करेक्ट है और 2 भी करेक्ट है। ठीक है डियर, अब बच्चों थर्ड ऑप्शन देखें, NH4OH का HCl के साथ, यहां डायरेक्ट देख सकते हैं वीक बेस की अमाउंट ज्यादा है और स्ट्रॉन्ग एसिड की अमाउंट कम है, ऐसे केस में बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड जो है HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड HCl यहां पर बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट का रोल प्ले करेगा और सॉल्ट बनेगा रिएक्शन करके NH4Cl, ऐसे केस में वीक बेस NH4OH होगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन में और साथ में रिजल्टेंट सॉल्यूशन में वीक बेस NH4OH का HCl के साथ बना हुआ सॉल्ट NH4Cl मिलेगा, इसका मतलब बच्चों यहां पर बेसिक बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा, इसका मतलब थर्ड में भी बफर सॉल्यूशन के लाइक बिहेवियर होगा। यहां पर बच्चों रेशियो अपोजिट है, इसका मतलब वीक बेस क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा, इसका मतलब ये बफर सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर बफर सॉल्यूशन, देन आंसर्स आर 1, 2 एंड 3, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एक्ट एज बफर सॉल्यूशन, तो आंसर भी क्या देंगे बेटो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आंसर चला जाएगा। ठीक है डियर, आगे चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोडियम एसिटेट इफ स्मॉल एच इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। ठीक है डियर बच्चों, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको जो सॉल्ट दे रखा है वो कौन सा है। हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन करना है तो बच्चों आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि जो सॉल्ट गिवन है ये सॉल्ट किस किस से मिलकर बना हुआ है। सॉल्ट जो दे रखा है ये वीक एसिड एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH से मिलकर बना हुआ है, साथ में इसमें स्ट्रॉन्ग बेस NaOH मिक्स किया है। तो एसिटिक एसिड वीक एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। इसका मतलब बच्चों रिजल्टेंट सॉल्यूशन में कौन मिलने वाला है, OH माइनस आयन मिलने वाला है। और जो रिजल्टेंट रिएक्शन बनेगी, जो मेजर रिएक्शन होगी, उसमें एसिटेट आयन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा यानी कि एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा और रिजल्टेंट सॉल्यूशन में OH माइनस आयन मिलेगा और पीएच का मैग्नीट्यूड बच्चों बेसिक होगा यानी कि पीएच 7 से ज्यादा ऑब्टेन होगी। ठीक है डियर, तो देखते हैं बच्चों सबसे पहले कौन कौन से ऑप्शन यहां पर करेक्ट आपको दिखाई देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH का वैल्यू H2C के इक्वल है, बिल्कुल ठीक है बेटा। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट जो होगा KH इक्वल टू दी H2C/1 - H होता है, और अगर आप 1 को वेरी वेरी ग्रेटर देन फ्रॉम स्मॉल h मान लें तो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट कितना होगा, KH इक्वल टू H2C होगा। सेकंड देखें, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH का मैग्नीट्यूड KW/KA के इक्वल है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है बेटा, क्योंकि आपको जो मेजर रिएक्शन मिलेगी उसमें डिसोसिएट कौन नहीं होगा, वीक एसिड एसिटिक एसिड डिसोसिएट नहीं होगा। तो जो भी मेजर रिएक्शन में डिसोसिएट नहीं होता है वही बच्चों KH के फॉर्मूले में KW के अपॉन में आता है। तो आपको फाइनली KH का फॉर्मूला मिलेगा KH इक्वल टू KW/KA। KA क्या है, KA कौन है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। तो एसिटिक एसिड वीक एसिड है जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट यहां पर KA है, तो KH इक्वल टू KW/KA, ऐसा रिलेशन आपको बच्चों यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है डियर, इसका मतलब ये भी करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। थर्ड ऑप्शन बच्चों द सॉल्यूशन इज एल्केलाइन ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटेट आयन, बिल्कुल सही बेटा। यहां पर सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि बच्चों हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, एसिटेट आयन, और एसिटेट आयन कैसा है बेटा, एनायन है। तो एनायन जब वाटर के साथ कंबाइंड होगा तो बच्चों यहां पर जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा उस रिजल्टेंट सॉल्यूशन में बच्चों आपको OH- आयन ऑब्जर्व होगा, और OH- आयन से रिजल्टेंट सॉल्यूशन की जो नेचर है वो बच्चों बेसिक हो जाएगी, पीएच का वैल्यू 7 से ज्यादा देखने को मिलेगा। इसका मतलब बच्चों यहां पर थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हुआ। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन देखे बेटो, द कंसेंट्रेशन ऑफ OH- आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज अंडर रूट ऑफ KW/C/KA। बेटो OH- आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो मेजर रिएक्शन से CH के इक्वल मिलेगी। देखें मेजर रिएक्शन में OH- की जो कंसेंट्रेशन है बच्चों CH के इक्वल है, और H की वैल्यू पुट कर देंगे आप तो C इंटू H होगा अंडर रूट ऑफ KH/C, और KH की वैल्यू क्या होगी, KW/KA। ठीक है, तो ये क्या हो गया C इंटू H, ये क्या हो गया KH/C, तो C नीचे आ रहा है, इस C को अंदर ले जाएंगे तो C स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और C से C कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बच्चों ये C तो खत्म हो ही गया और आपको कंसेंट्रेशन ऑफ OH- माइनस आयन मिलेगा KW/C/KA। इस तरह का बच्चों OH आयन का कंसेंट्रेशन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपको जो ऑप्शन में फॉर्मूला दिया है वो यही है, अंडर रूट ऑफ KW/C/KA। इसका मतलब बच्चों फोर्थ ऑप्शन भी यहां पर करेक्ट है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1, 2, 3 and 4 ऑल आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है डियर, तो आंसर होंगे 1, 2, 3 and 4। आगे चलते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर है 8 आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर वुड अंडरगोस हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, कौन से सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस होगा और कौन से सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बच्चों आपको मेजर कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, मेजर कॉन्सेप्ट क्या है हाइड्रोलाइसिस का, जो जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए होते हैं, जो भी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना होता है उनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं होता है। जैसा कि आपको याद होना चाहिए बच्चों, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बनता है तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में आपको वीक आयंस ऑब्टेन होते हैं, H+ और OH- आयंस आपको रिजल्टेंट सॉल्यूशन में ऑब्टेन होंगे। ऐसे केस में बच्चों वापस से H+ और OH- मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर का फॉर्मेशन कर लेंगे, जो कि बच्चों अपने आप में स्पेक्टेटर आयंस हैं, और रिजल्टेंट सॉल्यूशन की जो नेचर है बच्चों कैसी बनी रहेगी, न्यूट्रल बनी रहेगी। और जब जब रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नेचर सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के ड्यूरिंग
न्यूट्रल बनी रहेगी, तब तब आप कहेंगे बच्चों कि उस सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं होगा। अगर रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नेचर चेंज हो जाए, एसिडिक हो जाए या बेसिक हो जाए, ऐसे केस में उस सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल होगा। बट अगर रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नेचर एसिडिक और बेसिक ना होगा, न्यूट्रल बनी हुई है, तो ऐसे केस में उस सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में सेलेक्ट क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है कौन कौन से सॉल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने हुए हैं, उन्हीं का सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं होगा। और जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड वीक बेस से मिलकर बने हुए हैं, उनका हाइड्रोलाइसिस इजीली पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है डियर, तो आपसे पूछ रहे जल अपघटन होगा तो हाइड्रोलाइसिस किसका होगा बेटा, यहां देखा जाए तो आप कहेंगे CaF2, ये बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, और 2 moles ऑफ HF जो कि बच्चों वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा बेटा। Na2SO4, ये बच्चों NaOH और H2SO4 के मिलकर बना हुआ है, ये कैसा है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कैसा है स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि इसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं होगा। KCl बच्चों ये KOH और HCl से मिलकर बना हुआ है, ये कैसा है स्ट्रॉन्ग बेस और ये कैसा है स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका मतलब इसका भी हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं होगा। Na2HPO4 बच्चों ये NaOH प्लस H3PO4 से मिलकर बना हुआ है, ये कैसा है वीक एसिड और ये कैसा है स्ट्रॉन्ग बेस, इसका मतलब इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो बच्चों फोर्थ का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और एक यहां पर फर्स्ट का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, तो आंसर्स विल बी फर्स्ट एंड फोर्थ अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस विद वाटर। तो पहला और चौथा ऑप्शन जो है वो यहां पर बच्चों आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, बाकी यहां पर दो सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है डियर, तो आंसर्स आर फर्स्ट एंड फोर्थ। आगे चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखते बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स आर बफर। ठीक है, यहां पर भी बच्चों वही कंपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट ऑप्शन देखा जाए 10 ml 0.1 MnH4Cl है बच्चों, NaOH में मिला हुआ है, तो आपको बच्चों यहां पर रिएक्शन लिखकर देखना पड़ेगा और रिजल्टेंट सॉल्यूशन में कौन कौन ऑब्टेन होता है उसी पर डिपेंड करेगा बच्चों यहां पर कि बफर सॉल्यूशन बनेगा या बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो रिएक्शन बना के देखते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट चेक करते हैं, कौन रिजल्टेंट सॉल्यूशन में ऑब्टेन हो रहा है, कौन रिजल्टेंट सॉल्यूशन में ऑब्टेन नहीं हो रहा है, यहां से अपन डिसाइड करेंगे कि बफर सॉल्यूशन बनेगा या बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। देखते बेटो, तो फर्स्ट में रिएक्शन क्या बनेगी, फर्स्ट में अगर बात करें तो बेटो NH4Cl है और NH4Cl को NaOH के साथ कंबाइंड करेंगे तो बच्चों प्रोडक्ट बनेगा NH4OH और साथ में बच्चों NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, NaCl का फॉर्मेशन हुआ है। अब बच्चों अमाउंट देख लेते हैं, ये कितना है 0.1, वॉल्यूम कितना है 10 ml, ये कितना है 0.08 और वॉल्यूम कितना है 10 ml। यहां से बच्चों इसकी अमाउंट कम है, इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ये फिनिश हो जाएगा, इसका मतलब सॉल्ट बच जाएगा और सॉल्ट 1 mmol कितना बच रहा है, ये 1 mmol है और ये x हो जाएगा, तो कौन बच रहा है यहां पर सॉल्ट। ठीक है, और एक बच्चों ये x इक्वल बन जाएगा, इसका मतलब वीक बेस भी बचेगा, तो वीक बेस बच रहा है, एक तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में क्या मिल रहा है वीक बेस और दूसरा कौन मिल रहा है बेटो, वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ बना हुआ सॉल्ट मिल रहा है, तो एक तो सॉल्ट हो गया और एक वीक बेस मिल गया यहां पर, तो ऐसे किस्म बच्चों ये बेसिक बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा, ये यहां पर बच्चों बेसिक बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन में बच्चों बफर का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह बच्चों सेकंड ऑप्शन की रिएक्शन भी लिखेंगे और चेक करेंगे। सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, CH3COOH NaOH के साथ है बेटो, क्या बना लेगा CH3COOH को फॉर्म करेगा और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है डियर, अब बच्चों अमाउंट देख लो, ये कितना है 0.22 इंटू वॉल्यूम कितना है 20 ml, NaOH कितना है बेटो 0.15 इंटू वॉल्यूम कितना है 30 ml। अब बच्चों अमाउंट किसकी कम है ये देखना आपको, तो ये तो कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं 0.22 को लिख लेंगे बेटो 22 × 10⁻², तो ये मिलेगा आपको 440 × 10⁻²,
यानी कि 4.4 मिली मोल कह सकते हैं, 4.4 मिली मोल। यहां पर अगर बात करें बेटो तो 30 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे, इसको तो लिख लेंगे 15 × 10⁻², और ये हो जाएगा 450 × 10⁻², यानी कि 4.5 मिली मोल। ऐसे केस में बच्चों इसकी अमाउंट तो 4.4 है, इसकी अमाउंट 4.5 है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस के मिली मोल ज्यादा है। और बच्चों अगर स्ट्रॉन्ग बेस के मिली मोल ज्यादा है तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, वीक एसिड, और वीक एसिड एसिटिक एसिड यहां पर बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ये LR होगा, मतलब ये फिनिश हो जाएगा, मतलब वीक एसिड यहां पर बचेगा नहीं, और अगर वीक एसिड नहीं बचेगा तो बच्चों ये बफर सॉल्यूशन भी फॉर्म नहीं हो पाएगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन यहां पर बफर नहीं होगा। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं बेटो, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है 0.1 mg NaHCO3 सॉल्यूशन है, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, ये बफर सॉल्यूशन होगा क्योंकि NaHCO3 में वीक एसिड जो है वो H2CO3 बन जाएगा वाटर के साथ, तो एक तो H2CO3 होगा और एक बच्चों सॉल्ट के लिए बिहेव करेगा कौन, NaHCO3। ये ह्यूमन ब्लड में पाया जाने वाला बफर सॉल्यूशन है बेटो, तो ये बफर सॉल्यूशन के लिए बिहेव करेगा। फोर्थ ऑप्शन भी देख लें, मिथाइल अमीन जो कि वीक बेस है और HCl के साथ मिलकर बच्चों सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, क्या रिएक्शन बनेगी, CH3NH2+HCl, सॉल्ट बनेगा CH3NH3Cl, इस तरह का सॉल्ट बनेगा। अब बच्चों अमाउंट देख लेंगे, अमाउंट अगर HCl की कम होगी तो बफर बन जाएगा, ये कितना है 0.07 इंटू वॉल्यूम कितना है 10, मिथाइलामीन कितना है 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना है 15 ml। ठीक है डियर, तो बच्चों यहां आप देख सकते हैं HCl की अमाउंट कम है, इसलिए यही यहां पर लिमिटिंग रेजेंट होगा और ये फिनिश हो जाएगा, तो एक तो वीक बेस बचेगा और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट बच रहा है, इसका मतलब ये भी बच्चों बेसिक बफर बनेगा। तो एक तो ये बफर हो गया, फोर्थ ऑप्शन बफर है, थर्ड ऑप्शन बफर है और फर्स्ट ऑप्शन बफर है। बच्चों आंसर्स विल बी 1, 3 और 4। बफर सॉल्यूशन के लिए बिहेव कौन कौन करेगा, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। सेकेंड ऑप्शन यहां पर बफर के लिए बिहेव नहीं करेगा, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर बफर सॉल्यूशन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है डियर, आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बेटो ये था क्वेश्चन नंबर 9, और नेक्स्ट अपन देखने जा रहे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ते हैं क्या है। कंसिडर द टाइट्रेशन ऑफ 50 ml ऑफ 0.1 mg HCN, के का मैग्नीट्यूड दे रखा है 6.2 × 10⁻¹⁰ एंड 50 ml ऑफ 0.1 mg HCl विद NaOH, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ, दोनों की अलग अलग रिएक्शन हो रही है बेटा, एक बार तो HCN को NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक बार बच्चों HCl को NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। पूछ क्या रहा है, विच सेट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऐसा आपसे बच्चों यहां पर पूछा हुआ है। ठीक है डियर, तो बच्चों आपको इस क्वेश्चन में अगर न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहा है, इक्विवेलेंट पॉइंट की बात कर रहा है, आपको करना क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस अप्लाई करना है। अगर बच्चों दोनों एसिड्स के ग्राम इक्विवेलेंट्स को इक्वल करके लिखा जाए NaOH के साथ, तो फर्स्ट ऑप्शन में तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है, HCN का NaOH के साथ रिएक्शन लिखना है, तो HCN का NaOH के साथ जब रिएक्शन बनाएंगे बेटो तो आप ये कहेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCN, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCN इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCN जो है बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH के इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, अब दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स चेक कर लो, फर्स्ट ऑप्शन में बच्चों HCN दे रखा है 0.1, ठीक है, और वॉल्यूम दे रखा है 50 ml, तो सबसे पहले आप बच्चों H+ आयन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, आप यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन निकाल सकते हैं, HCN वीक एसिड है इसलिए, तो H+ आयन की कंसंट्रेशन होगी बेटा अंडर रूट ऑफ K इनटू C के बराबर, जो कि नॉर्मलिटी इक्वल होगी, तो अंडर रूट ऑफ K इनटू C ये बच्चों नॉर्मलिटी प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, और इनटू वॉल्यूम आपको दे रखा है 50 ml, और यही बच्चों NaOH की आपको कंसंट्रेशन भी दे रखे हैं, NaOH के लिए तो 50 ml ऑफ 0.1 mg HCl NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा बेटा। ठीक है, तो 0.1 mg 50 ml इसका है और 0.1 mg 50 ml विलयन NaOH के साथ है, तो दोनों का अलग अलग टाइट्रेशन हो रहा है बेटो, और इक्विवेलेंट पॉइंट की बात कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बोथ एसिड्स विल रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ बेस
टू रीच द इक्विवेलेंट पॉइंट। ठीक है, तो बच्चों आप देख सकते हैं दोनों एसिड्स की जो मोलरिटी और वॉल्यूम है वो सिमिलर है, तो ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के इक्वल आ रहे हैं। और अगर बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल आएंगे तो दोनों एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको सेम अमाउंट ऑफ एसिड किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा। इसका मतलब इक्विवेलेंट पॉइंट पर बच्चों इक्वल अमाउंट ऑफ NaOH दोनों एसिड्स के थ्रू न्यूट्रलाइज किया जाएगा। बच्चों HCN का वैलेंस फैक्टर भी 1 है और HCl का वैलेंस फैक्टर भी 1 है, ऐसे केस में मोलरिटी नॉर्मलिटी की इक्वल होगी। तो N into B से अगर ग्राम इक्विवेलेंट्स देखा जाए तो दोनों एसिड्स के ग्राम इक्विवेलेंट्स NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट्स के इक्वली ऑब्टेन हो रहे हैं, दोनों में NaOH की अमाउंट जो है वो इक्वली यूज में आ रही है। इसलिए बच्चों फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है डियर, सेम अमाउंट यूज में आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सेम अमाउंट ऑफ बेस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि NaOH की सिमिलर अमाउंट ही दोनों के साथ काम में आ रही है। आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं बेटो, क्योंकि वैलेंस फैक्टर बने तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम से आप ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों HCN तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वहां पर KA की रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं, इसलिए आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर लें, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस ही है, न्यूट्रलाइज करेगा। सेकंड ऑप्शन देखें, HCl will require more base to reach the equilibrium point than HCN. ये गलत बात है बेटा। HCl को कोई more base की requirement नहीं रहेगी। HCN और HCl दोनों के लिए NaOH के जो gram equivalent है वो equally consume हो रहे हैं। इसलिए more base की requirement नहीं है। इसलिए second option incorrect होगा। Third option देखेंगे बेटो। The pH at the equivalent point in the titration of HCN is basic. बिल्कुल ठीक है बेटो। क्योंकि बच्चों HCN के साथ क्या मिला रहा है NaOH। जब HCN के साथ NaOH मिलाएंगे तो बच्चों डोमिनेंट कौन करेगा, डोमिनेंट करेगा बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH डोमिनेंट करेगा। और यहां पर pH की वैल्यू जो 7 से ज्यादा मिलेगी, आप यहां पर pH कैलकुलेट कर लें, pH आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए आपको पहले रिएक्शन बना के देखना पड़ेगा। तो pH की जब वैल्यू चेक करेंगे तो बच्चों pH का मैग्नीट्यूड 7 से ज्यादा ऑब्टेन होगा, और अगर pH का वैल्यू 7 से ज्यादा है तो नेचर ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन बच्चों कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा। तो HCN को जब NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो बच्चों NaCN बनेगा, और NaCN कैसा है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, इसलिए डोमिनेंट कौन करेगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH डोमिनेंट करेगा। और फाइनली रिजल्टेंट सॉल्यूशन में आपको साइनाइड जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होगा और रिजल्टेंट सॉल्यूशन बच्चों OH माइनस आयन ऑब्टेन होगा, इसलिए रिजल्टेंट सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होगा। तो ये भी सही है बेटो, ठीक है, बेसिक pH ऑब्टेन होगा। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है द pH इक्वल टू pKa एट द हाफ वे, मतलब 50% कंप्लीट होने पर बात कर रहा है। तो बच्चों जब 50% रिएक्शन कंप्लीट होगा तो pH का मैग्नीट्यूड pKa के इक्वल मिल जाएगा, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि बेसिकली बच्चों ये बफर सॉल्यूशन बनेगा, और बफर सॉल्यूशन बनेगा तो pH इक्वल टू द pKa प्लस log बेस 10। सॉल्ट NaCN है और बच्चों वीक एसिड कौन है, HCN है, ये 50% डिसोसिएट होगा तो ये कितना मिलेगा 0.5, और वीक एसिड भी कितना रह जाएगा 0.5, ये कट जाएंगे बच्चों 1 बचेगा, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे केस में बच्चों pH का मैग्नीट्यूड pKa के इक्वल ही यहां पर ऑब्टेन होगा। ठीक है डियर, तो बच्चों फोर्थ ऑप्शन भी सही है। इसका मतलब आंसर्स विल बी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड इज इनकरेक्ट। तो आंसर होंगे बेटो 1, 3 एंड 4। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर्स देंगे 1, 3 एंड 4। ठीक है डियर, आगे चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मतलब KW की बात कर रहा है बेटा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मतलब KW की बात कर रहा है, और KW बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होता है। KW होता क्या है बच्चों, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इनटू प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ OH- आयन। H+ आयन और OH- आयन की कंसेंट्रेशन का अगर प्रोडक्ट कर दें तो आपको वाटर के लिए आयनिक प्रोडक्ट KW मिल जाएगा। अगर बच्चों यहां पर फॉर्मूला बना के देखा जाए तो आप कहेंगे कि KW जो है ये वाटर के लिए KW कैसे लिखेंगे, KW इक्वल टू दी कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH- आयन। रूम टेम्परेचर पर बच्चों KW की वैल्यू 10^-14 होती है और pKW बच्चों 14 के इक्वल होता है। ठीक है डियर, pKW कितना है, 14 के इक्वल है। अब फर्स्ट ऑप्शन देखिए बेटा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW है
और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर बच्चों KI है, तो KI की वैल्यू कम है किससे, KW से, ऐसा आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। तो KW तो 10⁻¹⁴ है और आयनिक प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बच्चों KI की वैल्यू होती है 1.8 × 10⁻¹⁶। KI की वैल्यू में पावर कितनी है बच्चों, 10⁻¹⁶ है। इसका मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की जो वैल्यू है वो कम है बच्चों किससे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 10⁻¹⁴ से। यहां पर नेगेटिव पावर कम मिल रही है, यहां पर नेगेटिव पावर 10⁻¹⁶ है ज्यादा है, और अगर नेगेटिव पावर ज्यादा है तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कैसा होगा बच्चों, कम होगा। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन देखे बेटो, PKI ज्यादा है किससे, PKW से। बिल्कुल बच्चों यहां PKW 14 मिल रहा है और यहां PKI जो मिलेगा वो 16 मिलेगा, ये 16 मिलेगा, तो PKI की वैल्यू 16 आ रही है और PKW की वैल्यू बच्चों 14 आएगी, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। थर्ड ऑप्शन देखिए बेटा, KI की वैल्यू बिल्कुल गलत है, यहां बच्चों 10⁻¹⁶ आना चाहिए, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। और बच्चों फोर्थ ऑप्शन देखें तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 10°C इज 10⁻¹⁴, बिल्कुल गलत बात है, 10°C बोल रहा है इसलिए गलत है। अगर ये 20 से 40 °C के बीच में बोलता, रूम टेम्परेचर की बातें करता, तो 10⁻¹⁴ होता, अभी 10°C की बात कर रहा है, तो बच्चों टेम्परेचर डिक्रीज करने पर KW भी डिक्रीज हो जाएगा और 10⁻¹⁶ मिलेगा आपको। 10°C पर KW का जो वैल्यू है वो कितना ऑप्टेन होगा, 10⁻¹⁶ के इक्वल ऑप्टेन होगा, तो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो KW डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो KW इंक्रीज करता है अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ इक्वेशन। तो वांट ऑफ इक्वेशन अगर अप्लाई करें तो वांट ऑफ इक्वेशन से टेम्परेचर बढ़ाने पर KW इंक्रीज होगा और टेम्परेचर डिक्रीज करने पर KW का वैल्यू भी बच्चों डिक्रीज कर जाता है। तो ऐसे केस में बच्चों आंसर्स आर फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये था क्वेश्चन नंबर 11। फर्दर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 12 देखें। इफ K1 एंड K2 बी फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ H3PO4, और कंडीशन क्या है बेटो, K1 की वैल्यू जो है ये K2 से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब जो फर्स्ट H+ आयन है ये बच्चों बहुत ज्यादा अमाउंट में डिसोसिएट होगा, और सेकंड जो H+ आयन है बच्चों ये आपको लेस अमाउंट में डिसोसिएट होता दिखाई देगा, या कह सकते हैं नेग्लिजिबल अमाउंट में डिसोसिएट होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे केस में बच्चों जब H3PO4 को डिसोसिएट करेंगे तो 2 steps में H3PO4 को आयोनाइज किया जाए, देखेंगे यहां पर किस तरह से इसको आयोनाइज करेंगे। तो बच्चों H3PO4 जो है ये कैसा वीक एसिड है, इसे फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कहा जाता है। H3PO4 फर्स्ट टाइम आयोनाइज होगा एक्वस मीडियम में, फॉर्मेशन करेगा बेटो H+ + H2PO4-, इस तरह का फॉर्मेशन होगा, ठीक है डियर। अब बच्चों इसकी कंसंट्रेशन भी x होगी और इसकी कंसंट्रेशन भी x के इक्वल होगी, यानी कि बच्चों H+ आयन की कंसंट्रेशन जो है वो H2PO4- की कंसंट्रेशन के इक्वल मिलेगी इक्विलिब्रियम पर। तो आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन बिकम्स इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H2PO4-, इस तरह का आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है डियर। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब स्टेप सेकंड में जब इसको आयोनाइज करेंगे बच्चों, एक और बात, यहां से हमको H+ आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट K1 होगा, और अगर आप देखें यहां से आयोनाइजेशन कांस्टेंट K1 को, तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2PO4- अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H3PO4, ठीक है बच्चों। अब बच्चों H+ आयन की कंसंट्रेशन इक्वल है इन दोनों के, तो इसको रिप्लेस करके मैं यहां पर H+ आयन लिख सकता हूं, ठीक है डियर। तो ये क्या बन जाएगा आगे, K1 इक्वल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, यानी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में कौन बचेगा, कंसंट्रेशन ऑफ H3PO4। अब बच्चों यहां से H+ आयन का स्क्वायर, H+ आयन का जो स्क्वायर है ये इक्वल मिल रहा है K1 इंटू H3PO4 के, और हमको कैलकुलेट करनी बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ K1 इंटू H3PO4 हो जाएगी। ये तो स्क्वायर में है, हमको स्क्वायर हटाना है, तो रूट हो जाएगा, इधर रूट कर देंगे दोनों तरफ का, तो H+ आयन की कंसंट्रेशन मिलेगी K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H3PO4, किसमें चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है डियर। अब थर्ड ऑप्शन चेक करते बेटा, K2
यानी कि सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट की बात कर रहा है, तो बच्चों सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट के ड्यूरिंग ये जो प्रोडक्ट बचा हुआ है ये फर्दर डिसोसिएट होगा। कैसे डिसोसिएट होगा? H2PO4 माइनस ये आयोनाइज होगा बच्चों H+ प्लस HPO4 माइनस 2। काम की बात क्या है कि K2 जो है वो इस रिएक्शन के लिए दे रखा है, बट K1 की कंपेटिवली K2 बहुत कम है, K1 के कंपेटिवली बच्चों K2 का मैग्नीट्यूड बहुत कम है। इसका मतलब ये जो H+ यानी कंसेंट्रेशन है ये नेग्लिजिबल होगी। ऐसे केस में बच्चों K2 जो है ये तो कौन है बेटा? रिएक्टेंट है। तो K2 से आपको मिलेगा कौन? कंप्लीटली मिलेगा कौन? K2 HPO4 माइनस 2 की कंसेंट्रेशन पर ही डिपेंड करेगा। K2 जो है ये HPO4 माइनस 2 की कंसेंट्रेशन पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है? तो ये भी बच्चों यहां पर आपको करेक्ट दिखाई देगा, क्योंकि ओवरऑल K2 का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों बहुत कम है, और K2 का मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा तो आपको इस इक्वेशन में H+ एंड नेगलिजिबल मिलेंगे, बट आपको जो K2 है वो मेजरली डोमिनेंट कौन करेगा? कंसेंट्रेशन ऑफ HPO4 माइनस 2 डोमिनेंट करेगा, ठीक है डियर? तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। अब देखते हैं फोर्थ ऑप्शन। H+ एनी कंसेंट्रेशन 3 times ऑफ फॉस्फेट है, ये बिल्कुल गलत है। यहां पर H+ एनी कंसेंट्रेशन फॉस्फेट के 3 times नहीं होगी। अगर इसको कंप्लीटली आयोनाइज भी करें तो बच्चों ये डिसोसिएट होगा 3H+ आयन प्लस PO4 माइनस 3, इस तरह से आयोनाइज होगा। अब बच्चों जब आप इसको इस तरह से आयोनाइज करोगे इसको दोबारा से आयोनाइज करते बैठो तो आप ये कहेंगे H3PO4 3H+ आयन प्लस PO4 माइनस 3 का फॉर्मेशन करता है। तो बच्चों H+ आयन तो 3 times है किसका? फॉस्फेट का। तो फॉस्फेट की कंसेंट्रेशन का 3 times है कौन? H+ आयन। ये कितना है बेटो? 3 times है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट की कंपेटिवली H+ आयन कितना मिल रहा है वहां से? 3 times मिल रहा है, जबकि ये क्या कह रहा है? हाँ, जो H+ आयन की कंसेंट्रेशन है वो फॉस्फेट की कंसेंट्रेशन कितना है? 3 times है। बिल्कुल सही बात है। अगर इसको इक्वल करना है, मिल कितना रहा है उतना, तो अगर इसको इक्वल करना है तो आप क्या करेंगे? इसके सामने 3 लगा दोगे, क्योंकि ये कितना ऑब्टेन हो रहा है? 1 time, और ये कितना ऑब्टेन हो रहा है? 3 times। दोनों को इक्वल करना है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में बच्चों ये तो ठीक है, बट ये कब होता? जब ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता, बट यहां पर इसे आप कंप्लीटली आयोनाइज नहीं कर रहे, केवल बात किसी कर रहे हैं K1 और K2 की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट और सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट की यहां पर बातें हो रही है, थर्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में यहां पर डिस्कशन नहीं हुआ है, इसलिए आप थर्ड फोर्थ ऑप्शन को इनकरेक्ट मान लेंगे। तो आंसर्स विल बी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आंसर्स क्या क्या होंगे बेटो? फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, एंड थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, बट फोर्थ नॉट कंसिडर्ड। तो आंसर्स आर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आगे चलते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है डियर? ये था क्वेश्चन नंबर 12 और नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, देखिए बेटा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज बफर सॉल्यूशन, कौन सा बफर विलेन के रूप में कार्य कर सकता है? बच्चों आपको यहां पर कंसिडर करना है कौन कौन से सॉल्यूशन में, कौन कौन से मिक्सचर में वीक एसिड और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट प्रेजेंट है, या फिर बच्चों वीक बेस और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ सॉल्ट प्रेजेंट है। चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में देखें HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड बच्चों सॉल्ट के साथ मिला हुआ है इसलिए ये बफर नहीं बन सकता। सेकेंड ऑप्शन बच्चों ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी बफर नहीं बनाएगा NaCl के साथ। थर्ड ऑप्शन है बच्चों HNO3, ये लिमिटिंग रिएजेंट है और सॉल्ट पहले से है, इसका मतलब ये बफर बन जाएगा। HNO3 तो लिमिटिंग रिएजेंट है बेटो, रिएक्शन लिख के भी चेक कर सकते हैं। CH3COONa, इसका रिएक्शन HNO3 के साथ फॉर्मेशन करेगा बच्चों CH3COOH, और साथ में बच्चों NaNO3 बन जाएगा, ठीक है? ऐसे किस बच्चों इसको बोल रहा है लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है? तो ये फिनिश हो जाएगा, ये बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है, और बच्चों सॉल्यूशन में कौन बचेगा? वीक एसिड बचेगा। तो एक तो बच रहा है वीक एसिड, और एक वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट,
सोडियम एसिडेट बच रहा है, इसका मतलब ये बफर सॉल्यूशन के लिए बिहेव करेगा बच्चों, ये एसिडिक बफर बन जाएगा। थर्ड ऑप्शन एसिडिक बफर होगा। फोर्थ ऑप्शन देखें, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है और CH3COOH ये बच्चों सॉल्ट है, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट है। तो यहां पर भी अगर रिएक्शन लिख के देखी जाए, चेक करते बच्चों रिएक्शन क्या है, तो CH3COOH प्लस KOH यहां पर बच्चों क्या बनेगा, CH3COOK सॉल्ट बनेगा और साथ में बच्चों NaOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों अगर ये KOH लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए तो भी ये भी सॉल्ट है और ये भी सॉल्ट है, इसका मतलब ये यहां पर बफर सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा, ये यहां पर बफर सॉल्यूशन के लिए बिहेव नहीं कर पाएगा। अब बच्चों एक बार फर्स्ट ऑप्शन को वापस चेक करें आप, यहां पर जब इनकी रिएक्शन लिख के देखेंगे, Na3PO4 का HCl के साथ रिएक्शन लिखते हैं, Na3PO4 का HCl के साथ रिएक्शन लिखेंगे तो बच्चों यहां पर एक तो NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा और एक H3PO4 बन सकता है, तो ये वीक एसिड है। ठीक है, और ये बच्चों वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से बना हुआ सॉल्ट है। ठीक है, इसका मतलब इसमें अमाउंट पर डिपेंड करेगा ये बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें अमाउंट के अकॉर्डिंग बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि H3PO4 कैसा है, वीक एसिड, और Na3PO4 कौन है बच्चों, वीक एसिड का NaOH के साथ बना हुआ सॉल्ट है, इसका मतलब फर्स्ट भी बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड आंसर्स आर फर्स्ट एंड थर्ड मे बी बफर सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है डियर, ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 14 नहीं है यहां पर बच्चों, हम बात करने जा रहे हैं इंटीजर्स के बारे में। तो सेक्शन डी इंटीजर्स, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में अपन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं बेटो, देखेंगे क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। ए सर्टेन टेम्परेचर प्योर PCl5 गैस इज फाउंड टू बी 25% डिसोसिएटेड एट लो टोटल प्रेशर 50 एटमोस्फेयर है। फर्दर कह रहा है, एट वॉट टोटल प्रेशर इट इज 50% डिसोसिएटेड एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो बच्चों टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है और जब आप PCl5 को डिसोसिएट करेंगे बेटा PCl3 प्लस Cl2 में, तो यहां से बच्चों आप जब KP लिखेंगे तो KP तो कॉन्स्टेंट रहता है, तो KP का जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, एल्फा के साथ। तो बच्चों यहां पर अगर KP का फॉर्मूला देखा जाए तो आप कहेंगे बेटो KP का फॉर्मूला यहां मिलेगा आपको एल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस एल्फा का स्क्वायर, इस तरह का KP का फॉर्मूला आपको PCl5 के डिसोसिएशन में ऑप्टेन होगा। अब बच्चों KP तो कांस्टेंट है, एल्फा चेंज हो रहा है और प्रेशर टोटल चेंज हो रहा है, ऐसे केस में आप क्या फॉर्मूला लिखोगे, एल्फा 1 स्क्वायर P1 अपॉन 1 माइनस एल्फा 1 स्क्वायर इक्वल टू दी एल्फा 2 स्क्वायर P2 अपॉन 1 माइनस एल्फा 2 स्क्वायर। आपको बच्चों एल्फा 1 एल्फा 2 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, P1 का वैल्यू दे रखा है, यहां से P2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और आपको यहां से P2 का एग्जैक्ट वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है डियर, नोट कर लें और यहां से आप फाइनली P2 कैलकुलेट कर लें, आपको यहां से फाइनल प्रेशर जो P2 है ये 10 एटमोस्फेयर के इक्वल ऑब्टेन होगा। ठीक है, अल्फा 1 दे रखा है बेटो 25% यानी कि 0.25 और P1 का वैल्यू दे रखा है बेटो 50 एटमोस्फेयर। ठीक है, और सेकंड टाइम अल्फा 2 की वैल्यू 50% मतलब 0.5 और बच्चों P2 आपसे पूछा हुआ है, फाइनल आपसे प्रेशर पूछा हुआ है, टोटल प्रेशर P2 का वैल्यू यहां से कैलकुलेट करना है, इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। नोट कर ले बच्चों, लिख लें सॉल्यूशन को और कैलकुलेशन चेक कर लें, देखें इसका आंसर क्या आ रहा है, चेक करें बेटा इसको, नोट करें। हां तो बच्चों ये आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 इंटीजर के लिए, अब आगे चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इंटीजर से रिलेटेड। तो इंटीजर का सेकंड क्वेश्चन क्या है, चेक करते बेटा, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते बेटो, फॉर द गैस फेज रिएक्शन SO3 गैस गिव्स SO2 गैस प्लस हाफ प्लस O2 गैस, इफ द गैसेस मिक्सचर इन ए क्लोज कंटेनर इज अलाउड टू कम एट इक्विलिब्रियम एंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एट इक्विलिब्रियम इज फाउंड टू बी 2/3 2/3 पार्ट डिसोसिएट हो रहा है, अल्फा का वैल्यू दे रखा है एट 400 केल्विन एंड 1 एटमोस्फेयर प्रेशर, देन कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। बच्चों ये केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन है और बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम से डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपने
डिसोसिएशन की डिग्री, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वेपर डेंसिटी के साथ एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, चैप्टर के लास्ट में इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है। तो अल्फा का वैल्यू जो है वो वेपर डेंसिटी के साथ क्या है, आप उसमें वैल्यू पुट करें डायरेक्ट और कैलकुलेट कर दें। आपको डायरेक्ट डी नॉट का वैल्यू यहां से कैलकुलेट करना है। बच्चों डी टी थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी है, जो कि मॉलिकुलर वेट का हाफ होता है, क्योंकि आप फॉर्मूला देखते हैं मॉलिकुलर वेट इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी। यहां से अपन पहले डी टी कैलकुलेट कर लेंगे SO3 के लिए, इसके बाद अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूला में, ठीक है, और एन वैल्यू पुट कर देंगे। चेक करते हैं बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के लिए बेटो आपको रिएक्शन को बैलेंस करना चाहिए। तो SO3 गैस रिवर्सिबली डिसोसिएट होगा SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस में। आपको रिएक्शन में हाफ O2 नहीं दे रखा था, इसलिए इसको बैलेंस करना चाहिए था, ठीक है। अब बच्चों यहां से अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, डी टी माइनस डी नॉट अपॉन एन माइनस वन इंटू डी नॉट। डी टी क्या होगा, SO3 का मॉलिकुलर वेट बेटो 80 होता है, SO3 का मॉलिकुलर वेट 80 है, तो यहां से थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी होगा मॉलिकुलर वेट बाई 2, यानी कि 40 ऑब्टेन हो जाएगा। अब बच्चों डी टी की वैल्यू पुट कर दें इस फॉर्मूले में, अल्फा दे रखा है क्वेश्चन बच्चों 2/3, तो अल्फा का वैल्यू लिख देंगे 2/3 इक्वल टू द डी टी कितना है बेटो 40 माइनस डी नॉट। कैलकुलेट करना है बच्चों एन की वैल्यू देख लें, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो 1 प्लस हाफ कितना है 3/2, यानी कि 1.5, और ये कितना है 1, तो आपको यहां से एन की वैल्यू मिल जाएगी बेटो 1.5, ठीक है। तो 1.5 माइनस 1, एन माइनस 1 करना है तो 1.5 माइनस 1, और नीचे कौन बचेगा बेटा डी नॉट, यहां से कैलकुलेट कर लेंगे बेटो इसको, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैलकुलेट किया जाए तो बच्चों ये बच रहा है 2/3 इक्वल टू दी 40 माइनस डी नॉट अपॉन नीचे बचेगा 0.5 डी नॉट, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, ये हो जाएगा बच्चों 1 डी नॉट इक्वल टू दी 3 से मल्टीप्लाई कर दो 120 माइनस 3 डी नॉट। बच्चों 3 डी नॉट को इधर ले आओ तो 4 डी नॉट हो जाएगा, जो कि 120 की इक्वल है। यहां से बच्चों डी नॉट कैलकुलेट करना है वेपर डेंसिटी, तो 120/4 यानी कि 30 आपको वेपर डेंसिटी ऑब्टेन हो जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आंसर देंगे 30, ये आपका बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा, ठीक है डियर। नोट करें बच्चों सॉल्यूशन को, देन आगे बात करते हैं। हाँ तो बच्चों आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 2, और नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है पढ़ते हैं, एज्यूम दैट द डिकम्पोजिशन ऑफ HNO3 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, 4 मोल्स ऑफ HNO3 गैस रिवर्सिबली गिव्स 4 मोल्स ऑफ NO2 गैस प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O गैस प्लस O2 गैस एंड द रिएक्शन अप्रोच इज इक्विलिब्रियम एट 400 केल्विन टेम्परेचर एंड 30 एटमोस्फियर प्रेशर, कैलकुलेट KC इन मोल अपॉन लीटर पावर 3 एट 400 केल्विन इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ HNO3 एट इक्विलिब्रियम इज 2 atm, ठीक है बेटो। तो HNO3 का पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर दे रखा है कितना है 2 एटमोस्फियर है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑफ HNO3 एट इक्विलिब्रियम इज 2 atm, और टोटल प्रेशर बच्चों इक्विलिब्रियम पर कितना दे रखा है 30 एटमोस्फियर दे रखा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे देखेंगे आप इसे। तो बेटो यहां बात करें क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए, तो रिएक्शन क्या है बेटा देखें, इनिशियली फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस रिएक्शन को चेक करेंगे, 4 मोल्स ऑफ HNO3 गैस डिसोसिएट हो रहा है बेटो 4 मोल्स ऑफ NO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O और O2, इस तरह से डिसोसिएट हुआ है, ठीक है डियर। अब बच्चों HNO3 डिसोसिएट होगा, इसका इनिशियल पार्शियल प्रेशर P है, ठीक है, और इसका इनिशियल प्रेशर कितना बनेगा 4P, इसका इनिशियल प्रेशर 2P बनेगा, और इसका इनिशियल प्रेशर बच्चों P बनेगा, ठीक है, इसको बच्चों 4P भी मान सकते हो, ठीक है।
अब बच्चों ये इक्विलिब्रियम पर डिसोसिएट होगा 4p-4x, ठीक है, ये बच्चों 4p ही ऑब्टेन होगा इक्विलिब्रियम पर, ये 2p ऑब्टेन होगा और ये p ऑब्टेन होगा, ठीक है। ये बच्चों क्या है, ये इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर ऑफ HNO3 है, ये इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर ऑफ HNO3 है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको बच्चों क्वेश्चन में 2 atm। अब बच्चों टोटल प्रेशर देखा जाए तो टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर कितना हो जाएगा, P टोटल होगा बेटो पार्शियल प्रेशर ऑफ HNO3 प्लस 4P प्लस 2P प्लस P, इस तरह से टोटल पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। और ये P टोटल दे रखा बच्चों 30, इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, प्लस 4P प्लस 2P 6P प्लस 1 7P, यहां से बच्चों 2 को इधर ले आओ तो 28 हो जाएगा, 30-2 जो कि 7p की इक्वल है, यहां से p की वैल्यू मिल जाएगी बेटो 28/7 यानी कि 4 atm आ जाएगा। ये बच्चों p की वैल्यू आ चुकी है 4 atm, तो ये 4 atm हो जाएगा, ये बच्चों 4 × 2 यानी कि 8 atmosphere हो जाएगा, ये बच्चों 4 × 4 16 atm हो जाएगा, ठीक है डियर। अब बच्चों ये तो ऑलरेडी दे रखा है 2 atm, तो पहले आप यहां से बच्चों kp कैलकुलेट कर लें, तो इक्वेशन के थ्रू आप केपी का फॉर्मूला नोट कर दें, केपी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, केपी लिखा जाएगा केपी इक्वल टू दी पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 की पावर 4 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की पावर 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ HNO3 की पावर 4। यहां से बच्चों केपी कैलकुलेट कर लेंगे, और बच्चों यहां से जो केपी ऑब्टेन होगा उस केपी की हेल्प से आप रिलेशन अप्लाई कर दें केसी के लिए, तो केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी, ठीक है, और डेल्टा एन जी रिएक्शन से निकाल लेंगे 2+1 3+4 7 7-4 यानी कि डेल्टा एन जी की वैल्यू बच्चों 3 आ जाएगी, डेल्टा एन जी की वैल्यू बच्चों 3 आ जाएगी। तो यहां डेल्टा एन जी पुट कर देना, केपी निकाल चुके हो, केसी कैलकुलेट करना है, आर का वैल्यू क्या रखेंगे 0.0821, टेम्परेचर क्वेश्चन में दे रखा है 400 केल्विन, और डेल्टा एन जी की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। यहां से बच्चों केसी का मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है डियर। ये था बच्चों इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन, ये था क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सॉल्यूशन, ठीक है डियर। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, क्या है पढ़ते हैं। इन ए सर्टेन सॉल्यूशन इफ कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन इज 100 times ग्रेटर, OH- आयन की कंसंट्रेशन 100 times ज्यादा है देन द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, व्हाट इज द pH ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो दे रखा है उसकी हेल्प से आप इसको लिख लें, OH- आयन की जो कंसंट्रेशन है ये बच्चों H+ आयन की कंसंट्रेशन की 100 times है, ठीक है, ये 100 times है। अब बच्चों kW क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस की बातें कर रहा है, तो kW होगा कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन, ठीक है। अब बच्चों OH- आयन को रिप्लेस कर दो आप यहां से, OH- आयन की वैल्यू पुट कर दो यहां पर, तो kW कितना होगा 10⁻¹⁴, H+ आयन ऑलरेडी है जिसकी रिक्वायरमेंट रहेगी pH के लिए, और OH- आयन की वैल्यू पुट कर दो 100 × H+ आयन, तो बच्चों H+ × H+ ये H+² हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 10⁻¹⁴ इक्वल टू दी 10⁻², यहां से बच्चों H+ आयन का स्क्वायर कितना मिल रहा है 10⁻¹⁴ अपॉन 10⁻², ये 10⁻², ऊपर चला जाएगा, तो बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन का स्क्वायर कितना आ रहा है 10⁻⁶, और बच्चों यहां से H+ आयन निकालना है तो ये अंडर रूट हो जाएगा 10⁻⁸ मिलेगा, माइनस लॉग कर दो तो pH की वैल्यू बच्चों यहां से 8 ऑब्टेन हो जाएगी। इस तरह से बच्चों यहां से इंटीजर का आंसर आएगा 08, इस क्वेश्चन के लिए आंसर देंगे बच्चों 08, ठीक है डियर। नोट करें बच्चों क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखें, फिर आगे बात करते हैं, नोट कर लें। हाँ तो बेटो ये था क्वेश्चन नंबर 4, आगे देखें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है डियर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या क्वेश्चन है पढ़ते हैं। व्हाट इज द रेशियो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इन 1 लीटर
देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन केएसपी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे रखा बेटा 4 × 10⁻¹². And KSP of aluminium hydroxide is 1 × 10⁻³³. Give answer by multiplying with by 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके बच्चों आपको लास्ट आंसर को पुट करना है, ठीक है, जो एंड में आंसर मिलेगा उसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके आपको आंसर यहां पर सेलेक्ट करना है, ठीक है डियर। तो बच्चों देखें किस तरह से इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आयनाइज होगा जो कि वीक बेस है और इसे डिसोसिएट करेंगे बच्चों Mg+2+2OH-, इस तरह आयनाइज होगा, ठीक है। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बच्चों आयनाइज होगा Al+3+3OH-, इस तरह से आयनाइज होगा बच्चों। सपोज करो इसकी जो कंसंट्रेशन है x है तो ये इनिशियली जीरो होगा, ये जीरो होगा आफ्टर टी टाइम या एट इक्विलिब्रियम, ये x फॉर्म होगा, ये बच्चों 2x ऑब्टेन होगा, साथ में बच्चों ये y है इनिशियली जीरो होगा इक्विलिब्रियम पर बच्चों, ये y बनेगा और ये बच्चों 3y बनेगा, ठीक है। और साथ में ये दोनों कॉमन आयन है इनमें तो इसकी कंसंट्रेशन ये ऐड हो जाएगी 3y और बच्चों यहां पर ऐड हो जाएगा यहां से मिलने वाला OH आयन, तो ये हो जाएगा 2x के इक्वल, ठीक है डियर, क्योंकि OH आयन दोनों में कॉमन है, इन दोनों की कंसंट्रेशन दोनों में ऐड हो जाएगी। अब बच्चों KSP का मैग्नीट्यूड देखा जाए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए जो KSP है बच्चों 10⁻¹² है, 4 × 10⁻¹², और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए KSP है 10⁻³³, यानी कि KSP ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज्यादा है कंपेटिबली KSP ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से। ऐसे केस में बच्चों यहां से जो OH- आयन मिलेगा ये आपको बहुत कम मिलेगा, यानी कि जो Y होगा वो नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू X, ठीक है डियर। तो X कैसा है, बहुत ज्यादा है कंपेटिबल टू Y, इसलिए Y को बच्चों OH आयन के लिए नेग्लिजिबल लिख लेंगे। ऐसे केस में बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए KSP लिखा जाए तो KSP होगा कंसंट्रेशन ऑफ Mg+2 × कंसंट्रेशन ऑफ OH- का स्क्वायर। KSP की वैल्यू दे रखी है बेटा 4 × 10⁻¹² Mg+2 कितना है x के इक्वल है, OH- आयन कितना है बेटा देख सकते हैं यहां से 2x+3y है, y को नेगलिजिबल मान लेंगे तो कितना बचेगा 2x बचेगा, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, यहां से 4x² × x 4x³ हो जाएगा, तो 4x³ की वैल्यू बच्चों 4 × 10⁻¹² के इक्वल है, यहां से बच्चों x की वैल्यू मिल जाएगी, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये 10⁻⁴ के इक्वल ऑब्टेन होगी क्योंकि क्यूब है तो रूट क्यूब करेंगे, यहां से x की वैल्यू मिल गई बेटा 10⁻⁴m। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स आपको मिल चुके हैं या कंसंट्रेशन मिल चुकी है जिसका रेशियो आपको निकालना है, तो x/y आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, और हमने यहां तक क्या निकाल लिया बेटो x की वैल्यू निकाल ली है, अब हमको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प लेनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए यहां पर अपन KSP लिखेंगे तो KSP ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Al+3 × कंसंट्रेशन ऑफ OH-³, ठीक है, क्योंकि OH की स्टोइकोमेट्री 3 है बेटा। अब बच्चों वैल्यू पुट कर दो तो KSP दे रखा है 1 × 10⁻³³ इक्वल टू Al+3 कितना है यहां से y के इक्वल है और OH यानी कंसंट्रेशन बच्चों y नेगलिजिबल हो जाएगा तो यहां पर भी 2x आएगी, ये हो जाएगा 2x का क्यूब। अब बच्चों ये कितना हो गया 8x³ हो जाएगा, तो यहां से y की जो वैल्यू मिलेगी ये आपको मिल जाएगी 1 × 10⁻³ अपॉन 8x³ और x की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर तो 10⁻⁴ का क्यूब, ये 10⁻½ हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो बच्चों ये बचेगा 10⁻², ठीक है, क्योंकि 12 यहां पर है तो फाइनली y का मैग्नीट्यूड आ गया है 10⁻², अपॉन 8, ये आपको बच्चों y की वैल्यू मिल जाएगी 10⁻², अपॉन 8। अब बच्चों x भी आपके पास है और y भी आपके पास है, ऐसे केस में बच्चों दोनों का रेशियो कर दें तो x अपॉन y करने पर x की वैल्यू कितनी आई थी 10⁻⁴,
y की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की है, 10 टू द पावर माइनस 21 अपॉन 8, 10 टू द पावर माइनस 21 अपॉन 8, 8 ऊपर आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे बेटो यहां से कितना बच रहा है, 10 टू द माइनस 17 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x अपॉन y की वैल्यू 8 इंटू 10 टू द पावर 17 मिल रही है। अब बच्चों ये x तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स हैं और ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स हैं, दोनों का रेशियो आ रहा है 8 इंटू 10 टू द पावर 17, जिसका आंसर देना है 10 टू द पावर माइनस 16 से मल्टीप्लाई करके, तो यहां पर देख सकते हैं आप कैंसिल करेंगे तो 10 बचेगा यहां पर, तो 8 इंटू 10 कर दें तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा 80। तो बच्चों इस इंटीजर का आंसर आपको 80 देना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा बच्चों 80। इस तरह से बच्चों हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के केएसपी का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए बच्चों हमने एक्स को डोमिनेंट माना है और वाई को ओएच आयनिक कंसंट्रेशन को नेग्लिजिबल मान लिया है, और ओएच माइनस आयन कैसा है यहां पर कॉमन आयन है। ठीक है डियर, इस तरह से दोनों की केएसपी की वैल्यूज लिखेंगे, यहां से एक्स और वाई की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे और एक्स और वाई का रेशियो कर देंगे, फाइनली आंसर को नोट करना है 10 टू द पावर माइनस 16 से मल्टीप्लाई करके, तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों 80। ठीक है डियर, ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। आगे चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखें यहां पे, केएसपी ऑफ मर्क्यूरस क्लोराइड यानी कि Hg2Cl2 इज ns पावर x, तो वैल्यू ऑफ n प्लस x आपसे पूछा हुआ है। बच्चों सबसे पहले आपको Hg2Cl2 को किस तरह से वाटर में डिसॉल्व करेंगे, किस तरह से ये आयनाइज होगा ये हमको चेक करना है, और यहां से हमको इसका केएसपी नोट करना है, तो केएसपी कितना आता है चेक कर लेते हैं बेटो। देखें इधर, तो बच्चों मर्क्यूरस क्लोराइड यानी कि Hg2Cl2 और Hg2Cl2 के लिए एक्वस मीडियम में डिसोसिएशन लिखा जाए तो ये फॉर्म करेगा बेटो Hg2 प्लस 2 प्लस 2 Cl माइनस, इस तरह से फॉर्म होगा। अब बच्चों इनिशियली इसकी सॉल्युबिलिटी S है 0 0, डिसोसिएट कर दो ये S फॉर्म होगा और ये 2S फॉर्म होगा। बच्चों यहां से KSP लिखेंगे तो KSP हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Hg2 प्लस 2 ठीक है इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस की पावर 2। अब बच्चों वैल्यू पुट कर दो, ये तो कितना है S के इक्वल, ये कितना है 2S का स्क्वायर, यहां से बच्चों KSP का मैग्नीट्यूड मिलेगा ये 4S स्क्वायर इनटू S यानी कि 4S क्यूब आ जाएगा, KSP ऑब्टेन हो रहा है 4S क्यूब के इक्वल। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो दे रखा है उससे कंपैरिजन कर लें, ये N हो जाएगा ये S और ये X, तो X की वैल्यू 3 दिख रही है, N की वैल्यू 4 दिख रही है, तो N प्लस X पूछा हुआ है, N कितना है 4, X कितना है 3, यहां से बच्चों आपको आंसर मिलेगा 07 यानी कि इंटीजर का आंसर बच्चों 7 जाएगा। इस तरह से इस इंटीजर के लिए आंसर देंगे बच्चों 7। ठीक है डियर, ये था इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन। आगे चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं, Kb4 साइनाइड इज 2 इंटू 10 टू माइनस 5 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फॉर मेंटेनिंग ए कांस्टेंट पीएच ऑफ 9 कैलकुलेट द वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ 5 एम केसीएन सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू 10 ml ऑफ 2 एम HCl सॉल्यूशन। HCN सॉल्यूशन ऐड कर रहा है। बच्चों HCN कैसा है, वीक एसिड है, और KCN बच्चों वीक एसिड HCN का KOH स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट है, तो ऐसे केस में वीक एसिड HCN का सॉल्ट KCN के साथ बना हुआ सॉल्ट के साथ जब मिक्सचर बनाओगे तो बफर सॉल्यूशन बनेगा, और बच्चों ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, और एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए आप हेंडरसन इक्वेशन यूज करोगे बेटा। ठीक है, तो चेक करते हैं बच्चों किस तरह से आप यहां पर वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बेटो अगर यहां पर हेंडरसन इक्वेशन लगाया जाए तो हेंडरसन इक्वेशन के अकॉर्डिंग पीएच इक्वल टू दी पीके प्लस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ केसीएन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एचसीएन। अब बच्चों आपको क्वेश्चन में सीएन माइनस के लिए के भी दे रखा है और सीएन माइनस का कॉन्जुगेट कौन होगा, HCN होगा, और अगर आपको HCN के लिए बच्चों K निकालना है तो आप इक्वेशन लगा देंगे K इंटू KB KW के इक्वल होता है। अब KW कितना होता है बेटो 10 टू द पावर माइनस 14, K कैलकुलेट करना है, KB क्वेश्चन में गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, यहां से बच्चों K की वैल्यू मिल जाएगी कितनी मिल जाएगी
10 टू द पावर माइनस 14 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अब बेटो ये कैंसिल करोगे तो 10 टू द पावर माइनस 9 बच रहा है और यहां 1/2 तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 जैसे लिख सकते हैं बच्चों के के लिए 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ठीक है। और पी के बना दो तो माइनस लॉग करेंगे 10 माइनस लॉग 5 बच्चों लॉग 5 कितना होगा 0.7 तो 10 माइनस 0.7 कर दो 9.3 ये आपको पी के मिल जाएगा। तो बच्चों HCN का पी के आ चुका है 9.3 के इक्वल। वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर पीएच कितनी दे रखी 9 पी के कितना है 9.3 प्लस लॉग बेस 10 KCN के लिए मोलरिटी दे रखी 5 इंटू वॉल्यूम कैलकुलेट करना है अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 10 ml प्लस वी मान लें अपॉन HCN के लिए मोलरिटी कितनी है 2 वॉल्यूम कितना मिला रहा है 10 ml अपॉन टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 10 प्लस वी। बच्चों 10 प्लस वी से 10 प्लस वी कैंसिल हो रहा है फाइनली यहां 20 रह गया और ऊपर 5 भी रह गया इस 9.3 को ले आएंगे तो माइनस होगा तो माइनस का 0.3 बचेगा विच इज इक्वल टू दी ये कितना रह जाएगा लॉग बेस 10 5v अपॉन 20। अब नेगेटिव एंटी लॉग करेंगे बेटो क्योंकि माइनस में टर्म आ रहा है इधर से लॉग हट जाएगा तो 10 इंटू 10 1 माइनस आफ्टर डेसिमल नंबर कितना है 0.3 इधर माइनस इंटू 1 प्लस बिफोर डेसिमल नंबर कितना है 0 यहां कितना बचेगा 0.7 यहां कितना बचेगा 10 टू द पावर माइनस 1। बच्चों 0.7 लॉग में 5 की वैल्यू है तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इधर से लॉग हट जाएगा 5v अपॉन 20 रह जाएगा और इस इक्वेशन से बच्चों अपन v यानी कि वॉल्यूम निकाल सकते हैं तो 20 को उधर शिफ्ट कर दो 100 इंटू 10 टू माइनस 1 यानी कि कितना हो जाएगा बच्चों आप देख सकते हैं ये कितना है 0.5 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 ये 0.5 है तो 0.5 इक्वल टू दी 5v अपॉन 20 ऐसा दिख रहा है 20 को उधर ले जाओ तो 20 इंटू 0.5 इक्वल टू दी 5v है तो v हो जाएगा 5 से डिवाइड कर देंगे ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा तो 4 इंटू 0.5 यानी कि 2 मिलीलीटर आपका आंसर आएगा बच्चों 0.2 तो इंटीजर का आंसर देंगे बच्चों 0.2 तो इस क्वेश्चन के लिए वॉल्यूम मिलेगा बच्चों 2 ml यानी कि आपका इंटीजर का आंसर होगा बच्चों 0.2। इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर देंगे। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या क्वेश्चन है पढ़ते हैं इफ ए 1 ml 1 m HCl सॉल्यूशन इज एडेड टू 99 ml ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस pH ऑफ वाटर विल चेंज बाय x यूनिट वैल्यू ऑफ x इज यानी कि वाटर की pH बच्चों कितनी चेंज हो जाएगी। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ने में गलती ना करें ध्यान रखें HCl की pH में चेंज नहीं पूछ रहा है वाटर की pH में कितना चेंज होगा ऐसा पूछा हुआ है। तो बच्चों रूम टेम्परेचर पर प्योर वाटर की pH कितनी होगी 7 तो इनिशियली वाटर की जो pH है वो 7 है और बाद में pH कितनी हो चुकी है HCl मिलाने पर ये अपने को चेक करना है तो इनिशियल pH तो बच्चों वाटर की कितनी है इस तरह से अपन इसको अप्लाई करेंगे इनिशियली प्योर वाटर के लिए pH कितना है बेटो 7। अब बच्चों 99 ml वाटर मिलाएगा तो N1V1 इक्वल टू N2V2 लगा दो डाइल्यूशन का केस है N1 कितनी हो जाएगी बेटो इनिशियली 1 दे रखा है तो नॉर्मलिटी भी 1 है होगी वॉल्यूम कितना है 1 ml N2 कैलकुलेट करनी है बेटो V2 99 ml मिलाएंगे तो 100 ml हो जाएगा यहां से बच्चों N2 जो होगा वो H प्लस यानी कि कंसंट्रेशन होगी क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आपको 1/100 दिख रहा है जो कि 10 टू द पावर माइनस 2 के इक्वल है तो बच्चों एच प्लस यानी कि कंसंट्रेशन 10 टू द माइनस 2 है तो पीएच का वैल्यू माइनस लॉग करेंगे तो 2 ऑब्टेन होगा। तो बच्चों अब फाइनल सॉल्यूशन की पीएच कितनी रह गई है 2 रह गई है इनिशियली प्योर वाटर की पीएच 7 थी अब पीएच कितनी हो गई है 2 तो चेंज अगर देखा जाए तो चेंज इन पीएच जो कि एक्स के इक्वल है ये हो जाएगा बेटो 7-2 यानी कि 5 के इक्वल ऑब्टेन होगा यानी कि आपका इंटीजर का आंसर बच्चों कितना गया है 0.5 इंटीजर का आंसर देंगे बच्चों 5। ये था बच्चों इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन। हाँ तो बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या क्वेश्चन है PCl5 dissociates into PCl3 and Cl2 at equilibrium pressure of 3 atmosphere all three gases were found to have equal number of moles। काम की बात है इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है बच्चों इक्विलिब्रियम पर
और अगर मोल्स इक्वल होंगे बेटा तो ऐसे केस में प्रेशर भी तीनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का कैसा होगा, इक्वली ऑब्टेन होगा। ठीक है डियर, देखते हैं किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो इनिशियली फर्स्ट वेसल की बात करें, PCl5 डिसोसिएट होगा रिवर्सिबली PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। बच्चों एट इक्विलिब्रियम इनिशियल प्रेशर कितना है 3 atm, जो कि 1 atm मोल्स इक्वल हैं, इसलिए 1 atm और 1 atm इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। यहां से kp कैलकुलेट कर लेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, यहां से kp की वैल्यू बच्चों 1 आ जाएगी। अब बच्चों सेकंड केस में प्रेशर को इंक्रीज कर दिया है 9 atm कर दिया है और मोल्स अभी भी इक्वल ले रहा है, नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल एट इक्विलिब्रियम इन सेकंड वेसल। ठीक है, तो बेटा सेकंड वेसल के लिए लिखेंगे PCl5 गैस रिवर्सिबली गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। अब बच्चों जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे, अब इक्विलिब्रियम पर जब प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। यहां पर भी मोल्स इक्वल हैं, प्रेशर इक्वल होगा, 9 एटमोस्फेयर है, तीनों में इक्वली डिवाइड कर दो, यानी कि यहां 3 atm होगा इक्विलिब्रियम पर, सॉरी इनिशियली यहां पर भी 3 atm होगा और यहां पर भी बच्चों 3 atm होगा। अब बच्चों प्रेशर इंक्रीज किया गया है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, ये भी डिसोसिएट हो जाएगा और ये बच्चों फॉर्म हो जाएगा 3 प्लस एक्स। यहां से kp लिख लिया जाएगा, ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट कितना है 3 प्लस एक्स। kp की वैल्यू बच्चों पहले से निकाल चुके हैं आप, kp कितना आया था 1, ये kp की वैल्यू 1 यहां पुट कर दो और यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो बच्चों x की वैल्यू आपको यहां से 1 एटमॉस्फेयर ऑब्टेन हो जाएगी। और ये x की वैल्यू आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन पूछ रहा है, जो कि 3 माइनस एक्स के इक्वल है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन 3 माइनस एक्स, और बच्चों x की वैल्यू 1 पुट कर दो यहां, तो 3 माइनस 1 जो कि 2 एटमॉस्फेयर के इक्वल ऑब्टेन होगी, यानी कि आंसर आपका जाएगा 02। इंटीजर का आंसर देंगे बच्चों 02। ठीक है डियर, ये था इस क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सॉल्यूशन। हां तो बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है पढ़ते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स आर अनआयनाइज्ड, यानी कि कितने आयनाइज नहीं होंगे इन 5 × 10⁻⁸ m एसिटिक एसिड सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, k दे रखा है 1.6 × 10⁵। ठीक है डियर, देखो बच्चों किस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे अपन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों एसिटिक एसिड डिसोसिएट होगा CH3COOH, एक्वा सॉल्यूशन है बच्चों तो ये आयनाइज हो जाएगा, और डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो CH3COO- प्लस H+N फॉर्म करेगा। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है 8 × 10⁻⁵, इनिशियली जीरो होगा, ये फिनिश हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 8 × 10⁻⁵ बन जाएगा, और ये बच्चों 8 × 10⁻⁵ यहाँ से तो मिलेगा, साथ में बच्चों वाटर भी आयनाइज होगा H2O, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है 8 × 10⁻⁵, और सपोज करो खुद की कंसंट्रेशन कितनी है Y, एक्वा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, टोटल इतनी हो जाएगी, यहाँ से ये डिसोसिएट होगा H+ IN + OH- IN। अब बच्चों H+N की कंसंट्रेशन में यहाँ से भी H+N मिल रहा है और यहाँ से भी H+N है, यहाँ से कितना मिलेगा Y, ये डिसोसिएट हो जाएगा इधर से, तो ये Y और यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, ठीक है YM ये ऐड हो जाएगा। तो अब H+N की नेट कंसंट्रेशन कितनी है, ये जो कंसंट्रेशन है वही H+N की कंसंट्रेशन होगी, यहां पर कितनी हो जाएगी Y, वहां जाके ऐड हो गया, तो अब H+N की कंसंट्रेशन बन जाएगी 8 × 10⁻⁵ प्लस Y, जो कंसंट्रेशन यहां पर H+N की वही यहां पर ली जाएगी क्योंकि कॉमन आया नहीं है। ठीक है, अब बच्चों यहां से Y की वैल्यू निकाल ली जाए तो KW का फॉर्मूला यूज कर दो, KW इक्वल टू दी होता है H+IN × OH- IN। बच्चों OH- IN की कंसंट्रेशन यहां कितनी बनेगी, Y बनेगी क्योंकि Y डिसोसिएट हो रहा दोनों में, ठीक है, ये टोटल कॉमन आयन है इसलिए इसकी कंसंट्रेशन को कंसिडर किया जाएगा, एसिड है इसलिए, ठीक है। अब बच्चों वैसे तो ये कितना मिल रहा है Y, ये भी कितना मिल रहा है Y, बट H+N की कंसंट्रेशन ये वाली डोमिनेट करेगी क्योंकि ये एसिड है, एसिड से H+N आएगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब बच्चों यहां पर KW कितना होगा 10⁻⁴, H+N कितना है 8 × 10⁻⁵ प्लस Y, और OH- IN कितना बेटा Y, यहां से बच्चों सॉल्व करेंगे Y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, यहां से Y की वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे, और Y ऑब्टेन हो गया तो
तो एसिटिक एसिड के लिए K का फॉर्मूला लगा देंगे। तो एसिडिक एसिड के लिए अगर K लिखा जाए तो K इक्वल टू दी कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटेटाइन कितना है 8 × 10⁻⁵ इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन कितना है 8 × 10⁻⁵ प्लस Y, जो कि Y वहां से ऑब्टेन होगा उसको ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है, अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ये हमको बच्चों कैलकुलेट करनी है इक्विलिब्रियम पर, और K की वैल्यू बच्चों आपको क्वेश्चन में दे रखी है 1.6 × 10⁻⁵ यहां पर पुट कर देंगे आप, ठीक है। यहां से एसिडिक यानी कि CH3COOH की कंसेंट्रेशन निकाल लेंगे, और जो कंसेंट्रेशन मिलेगी बच्चों इस कंसेंट्रेशन को, ये तो कौन सी ऑब्टेंड कंसेंट्रेशन, डिसोसिएट कंसेंट्रेशन, और इनिशियली कंसेंट्रेशन एसिडिक एसिड कितनी थी 8 × 10⁻⁵। तो आपको अनआयोनाइज्ड पार्ट निकालना है, तो अनआयोनाइज्ड पार्ट कितना बचेगा, ऑब्टेंड कंसेंट्रेशन जो कि एसिटिक एसिड की आपने यहां से कैलकुलेट की है फॉर्मूले से, अपॉन इनिशियल कंसेंट्रेशन 8 × 10⁻⁵, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो भी आएगा मानकर चलो यहां से 0.8 आ रहा है, उसका आंसर 1000 से मल्टीप्लाई करके देना है, तो यहां से आंसर इंटीजर में लिखने के लिए 80 आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करके आंसर देंगे तो आपको इंटीजर में आंसर मिल जाएगा बच्चों 80। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है डियर। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है क्योंकि डायल्यूट सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड का ये, ठीक है, इसलिए एच प्लस एन को भी यहां पर कंसिडर किया जा रहा है कॉमन एन के लिए। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट है बेटो क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट इन थ्री डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो बच्चों आपसे बात कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड्स की, ध्यान दें बेटो कौन सी स्ट्रक्चर है, 3D HCP है, 3D HCP है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे बच्चों 6 होंगे। थ्री डायमेंशनल HCP में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होता है 6 होता है, 6 ऊपर वाले कॉर्नर्स का, 6 नीचे वाले कॉर्नर्स का, 2 फेस सेंटर पे और 3 बॉडी सेंटर पे, और इनका कंट्रीब्यूशन निकालते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 डायमेंशनल HCP में कितना मिलता है 6। बच्चों ध्यान रखें टेट्राहेड्रल वॉइड्स की नंबर ऑफ पार्टिकल्स का 2 टाइम्स होती है, तो यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होंगे टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2 × नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएगा, यहां से 2 × नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है 6 है, तो आपको बच्चों टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स 12 मिलेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए आंसर देंगे बच्चों 12, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर 12 इन दिस क्वेश्चन। आगे चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सोडियम आयंस इन रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर विच इज क्रिस्टलाइज्ड इन FCC यूनिट सेल। ध्यान दे बेटा, बेसिकली रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर या NaCl की जो स्ट्रक्चर है इसमें क्लोराइड आयंस तो जो है ये FCC पैटर्न बनाते हैं, यानी कि 8 किस पर रहेंगे कॉर्नर्स पे और 6 फेस सेंटर्स पर रहेंगे, जबकि बच्चों सोडियम कैटायंस जो है वो ऑक्टेडल वॉइड्स में पाए जाते हैं, तो 12 ऑक्टेडल वॉइड्स तो बच्चों कहां पे होंगे ईच एज सेंटर पे होंगे, और 1 ऑक्टेडल वॉइड बच्चों कहां पे होगा क्यूब के बॉडी सेंटर पे होगा, तो 12 सोडियम कैटायंस तो कहां पे रखे जाएंगे एज सेंटर्स पर रखे जाएंगे, और 1 सोडियम कैटायन बच्चों एज कहां रखा जाएगा एज सेंटर के अलावा बॉडी सेंटर पर भी रखा जाएगा, तो 12 तो हो गया एज सेंटर का, 1 हो गया बॉडी सेंटर का, इसलिए टोटल नंबर ऑफ सोडियम कैटायंस बच्चों 13 मिलेगा, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ सोडियम कैटायंस बच्चों 13 ऑब्टेन होंगे, आपका आंसर होगा 13, तो इंटीजर का आंसर देंगे आप, यहां पर आपको इस इंटीजर के लिए 12 ऑक्टेल वॉइड्स ऑन द एज सेंटर एंड 1 बॉडी सेंटर, इसलिए टोटल 13 सोडियम कैटायंस होंगे, आंसर देंगे 13, ठीक है डियर। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये बच्चों आपका इंटीजर का लास्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल की पैकिंग फ्रैक्शन का परसेंटेज ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो परसेंटेज पूछ रहा है, तो बच्चों सिंपल क्यूबिक सेल यानी कि SCC जिसमें नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स सिंपल क्यूबिक सेल बच्चों 1 होता है, अब सिंपल क्यूबिक सेल की बात कर रहा है जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे बच्चों Z × 4/3 πr³/a³, यहां से R जो होगा वो a/2 के इक्वल होता है, और यहां से पैकिंग फ्रैक्शन बच्चों आपको 52% ऑब्टेन होगा, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए आंसर देंगे बच्चों 52, ठीक है डियर। तो ये था बच्चों लास्ट इंटीजर जिसका सॉल्यूशन आपने देखा,
यानी कि इसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन आप ऑप्टेन करेंगे 52, ठीक है डियर। तो एडवांस लेवल का पेपर है, बहुत ही इजी या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट को यहां पर मैंने कवर किया है, ठीक है डियर। थैंक यू।